असलकुम कैसे हैं आप आग? आज बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है ड्रेसिंग के ऊपर uh, कितने लोग हैं जो मुझे जानते हैं या देखा हो मुझे हामिद सईद आपने आपने चलो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ आपको मेरा नाम है हामिद सईद आई एम एन इंटरनेशनल इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट फ्रॉम न्यूयॉर्क थोड़ा इंग्लिश उर्दू दोनों मिला के बोलूँगा ठीक है आई कैंट हेल्प इट And um, my basic introduction is this: First of all, I'm very, very grateful. Uh, foundation is like my second home. Shah Saab has been very, very kind to me, or uh, uh, we have worked with each other quite a bit. story with She or. लेकिन जो मेरा इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले इस सेंस में नहीं कि मैं ब्रैक कर रहा हूँ इस सेंस में कि आई एम रेलिवेंट टू यू तो सबसे पहली मेरी जो एजुकेशन है वो है मैं यू का पढ़ा हुआ इंजीनियर हूँ तो मुझे पता लगा कि आप काफ़ी आई के बंदे यहाँ बैठे हुए हैं इज द ट्रू को आई टी फील्ड से तो इंजीनियर का यू ई टी का पढ़ा हुआ इंजीनियर रेलीवेंट है कि नहीं है रेलिवेंट है वहां से मैंने क्या सीखा वहां से मैंने तीन चीजें सीखी जो मैं आपसे शेयर करता हूं एक चीज है लॉजिक हम एनालिटिकल बंदे हैं लॉजिक ऑलवेज प्रिवेल्स और कूट कूट के भर के लॉजिक जो है वो हमें बताई जाती है कि लॉजिकली कैसे सोच रहे हैं सो हाउ एम यू अप्लाइंग द लॉजिक टू वर एम डूइंग टूडे वो इस तरह के मैंने हर चीज़ को लॉजिकल बनाया जो अगर मैं कलर की बात करूँगा कि कौन सा कलर पहनना है तो आपको ये नहीं कहूँगा कि वो फैशन में ये चल रहा है ट्रेंड में ये चल रहा है गूगल पे जाके आप देख लें कौन सा कलर पहनना है मैं आपको बताऊँगा कि आपका आई कलर क्या है हेयर कलर क्या है स्किन टोन के आपके ऊपर कौन सा कलर अच्छा लगेगा लॉजिक बन गई कि नहीं बन गई अगर मैं स्टाइल की बात करूंगा मैं ये नहीं कहूंगा जी गूगल पे जाके आप देख लें आजकल क्या अपडेट स्टाइल चल रहा है मैं क्या करूंगा मैं आपकी बॉडी टाइप देखूंगा मैं आपको बताऊंगा आप शॉर्ट हैं टॉल हैं हैवी हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके ऊपर कौन सी स्टाइलिंग अच्छी लगेगी लॉजिक बन गई कि नहीं बन गई इसी तरह मैं अगर इमेज की बात करूँगा तो मैं आपसे पूछूंगा आप कौन हैं क्या करते हैं तो मैं लॉजिकली बिल्ड करके आपको बताऊँगा कि आपकी ड्रेसिंग कैसे होनी चाहिए दूसरी बात मैंने जो वहाँ से सीखी वो ये है बड़ी इंपॉर्टेंट हाउ टू सॉल्व ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एनी बॉडी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं सर आप बताइए <laughs> <laughs> मेरा किसी से तो पूछने की जरूरत नहीं है हीज नेट ही रियलीट क्या नाम है आपका आदर गिव बिग हैंड ठीक आपने क्या करना है आपने कॉम्प्लीकेट प्रॉब्लम लेनी है उसको आपने स्मॉल प्रॉब्लम ब्रेक करना है एंड गेस वॉट हैपन्स आप स्मॉल प्रॉब्लम पर काम करेंगे छोटी छोटी प्रॉब्लम पर उसको सॉल्व करेंगे जैसे एक मैथ का फॉर्मूला होता है या मैथ का क्वेश्चन है तो आप उसे स्टेप बाई स्टेप सॉल्व करते हैं एंड देन द एवं प्रॉब्लम अच्छा इसका वार्डर किसी का है, का है? बहुत बड़ा तलक है वो इसलिए वॉर्डर में भी बहुत वेरिएबल हैं कितने वेरिएबल पाँच छह तो वीग नहा देता हूँ सबसे पहले जी आपकी कलरेशन क्या है आपका आई कलर क्या है हेयर कलर स्किन टोन क्या है दूसरा आपका कद कदकाठ क्या है ठीक है फिर तीसरी आपकी पर्सनैलिटी क्या है चौथा आपकी पोजिशन क्या है डेजिग्नेशन क्या है अगर काम करते हैं और पांचवा आपका प्रोफेशन क्या है ये तो पांच वेरिएबल तो हो गए ना यहाँ पे ठीक है छठा वेरिएबल ओकेजन क्या है जॉब इंटरव्यू है कोई बिजनेस मीटिंग है कोई शादी का मामला है कि यार वो देखने आ रहे हैं आपको आप यू नो ये भी होता है राइट right? उनके थोड़ी सम्भाल राइट इन लुकिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी इनशाला तो उसमें भी यू you नो know, पीपल लो कैन तो ये अगर सारे फिर सीजन है फिर फैशन है फिर उसके बाद आपका यू नो वेदर है ऑल that तो अभी मैंने आठ तस्वीरें बोल तो आपको गिना दी हैं ठीक है तो इसमें भी सारा कॉन्सेप्ट ये है कि आपने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वार्ड्रॉप तो उसको सॉल्व कैसे करना है हम बिट्स एंड पीसीज में लेके आई आई विश आई विल थिंक आई विल have मोर सेशन with यू गाइज एक सेशन में तो ये दरिया को कूदे में बंद करने वाली बात है नॉर्मली माई सेशन दर अबाउट एट आवर्स लॉन्ग तो अभी तो हमने शायद एक डेढ़ घंटे का करना है तो वुलसी हाउ ग्रोस तो उसमें यह है कि हमने एक वार्ड्रोप जो है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करना है उसे हम ब्रेक डाउन करेंगे छोटे छोटे स्टेप्स में एंड देन विल एवेंचुअली सॉल्व द बिग प्रॉब्लम विच इज़ अ वार्ड्रोप प्रॉब्लम अच्छा तीसरी बात जो मैंने इंजीन से सीखी है वो ये है कि हाउ टू कनेक्ट द डॉट्स हाउ टू कनेक्ट द डॉट्स इसका क्या मतलब है हाउ टू कनेक्ट द डॉट्स मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ कि वो क्या है इसका मतलब ये है मैं कुछ चीज़ देखता हूँ फिर मैं कुछ चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ फिर मैं कुछ चीज़ एक्सपीरियंस करता हूँ फिर मैं कुछ पढ़ता हूँ फिर मैं किसी को किसी के साथ शेयर करता हूँ सारा ये अक्यूमुलेटिव नॉलेज बनता जा रहा है ठीक है ऑल ऑफ नाला मैं किसी चीज़ पर काम कर रहा हूँ तो मुझे कहता हूँ हाँ वो कनेक्टिंग जो डार्ट हो गया तो कहता अच्छा इसका सूचना ये है तो कनेक्टिंग द डार्स जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है विच आई हैव बीन डूइंग ऑलवियस इवन पाँच छः सात आठ वेरिएबल भी बताएं तो उसको कनेक्ट कैसे करना है हाउ यू कैन हैव ideal wardrobe? तो इनशाला इसके बाद बात करें ये मैंने इंजीनियर से सीखा अच्छा उसके बाद मैं सोल सचिंग करता हुआ मैं न्यूयॉर्क चला गया राइड right वे तो वहाँ जाके मैंने क्या किया वहाँ मैंने जाके एम किया ये मैं सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ you know, कि आई एम रेलिवेंट यू मैं यू नो एम नॉट ही कि भाई अच्छा कैसे लग रहा है मैं को पार्लर नहीं हूँ कि मैं आप आए तो मैं कहूँगा अच्छा जी मैजिक मेकअवर कर दो ये कर दो वो कर दो एम नॉट दैट टाइप गाय तो वो इंजीनियरिंग uh, की मैंने और इनोवेंट न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क में मैंने सबसे पहले एमबीए किया अच्छा एमबीए से मैंने क्या सीखा एमबीए से मैंने ये सीखा है हाउ द बिजनेस वर्ल्ड ऑपरेट्स अगर मुझे यही नहीं पता कि बैंकर जो है उसकी जे uh, डी क्या है जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है वो क्या करता है मुझे फ़र्क नहीं पता बैंकर में इन्वेस्टमेंट बैंकर में इन्वेस्टमेंट बैंकर तो मनी रेज करता है ना कंपनी के लिए बैंकर क्या करता है वो तो मनी जो है वो लोगों से लेता है ना हाई नेटवर्क लोगों से डिपॉजिट लेता है तो एनी anyway, वे जितने भी प्रोफेशनस है उनके बारे में मुझे अंदाज़ा हो गया इसके अलावा डिफरेंट पोजिशन हैं आप मैनेजर हैं आप सीनियर मैनेजर हैं आप सीनियर मैनेजमेंट में आप सी ई ओ हैं तो डिफरेंट रोल्स हैं तो उसमें कैसे ड्रेसिंग करनी है कैसे इमेज होना चाहिए ऑन टॉप ऑफ दैट न्यूयॉर्क इज़ द फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो द फिनेंशियल कैपिटल द वर्ल्ड तो मेरी प्रैक्टिस वहाँ पर हुई जहाँ पे यू नो इट्स लाइक द एवरीथिंग टॉप तो वहाँ से करते करते सोल सर्चिंग करते हुए आई लैंड एफ आई टी फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ एफ आई टी अगर आप इसे गूगल uh, अप करेंगे तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी जहाँ तमाम डिज़ाइनर टॉप डिज़ाइनर जो हैं दुनिया के वहाँ से एजुकेटेड हैं या पढ़े लिखे हैं फो एवन देयर तो वहाँ जब मैं गया तो आई रियलाइज दिस इज माई कॉलिंग I like a math science student, you know, no creative side of me and all that. But when I saw the fabric, when I saw the cutting, when I saw the pattern, when I saw like how to put this together, and the line, and the whole nine yards, and the cut, and the style, I was fascinated. So I said, oh, this is weird, what I want to do. So now I have a lethal combination. in engineering logic MBA, how business world operates, or the nitty-gritty of fashion, the image or FIT the top the university. अच्छा इसके अलावा मैंने अपने लास्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ईयर्स में आई मस्ट हैव है मोर देन फिफ्टी थाउजेंड मैन एंड वोमेन माई लाइफ टाइम छोटी बात नहीं है इसका मतलब आई हैव सीन ऑल बॉडी टाइप्स आई हैव सीन ऑल कलरेशन आई हैव सीन ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी आई हैव सीन ऑल बिजनेस मैन हैव सीन डिफरेंट इंडस्ट्रीज यू नेम इट आई हैव सीन इट आप किसी मुल्क के बंदे की बात कर ले आई प्रॉबली हैव ड्रेस्ड हिम क्योंकि न्यूयॉर्क में तो आपको हर तरह का बंदा मिलता है ये सारी बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आई एम रेलिवेंट आप बड़े गौर से मेरी बात सुननी है जैसे इमरान खान कहता है ना ग़ौर से बात सुननी है आपने मेरी गौर से बात सुननी है एनी वे डैस द बैकग्राउंड शाह साहब के साथ मैं थोड़ी सी इंट्रैक्शन आपको बताना चाहता हूँ जब मैं शाह साहब से मिला तो शाह साहब को मैंने कहा शाह साहब मैं एक आइडिया लेके हूँ पाकिस्तान में ड्रेस फॉर सक्सेस ड्रेसिंग फॉर सक्सेस फॉर प्रोफेशनल सक्सेस ये आइडिया लेके आया हूँ। कामयाबी के साथ लिबास को मुंसलिक करना तो शाह साहब ने मुझे क्या कहा सारी बात उनके उन्होंने कहा हम सब ये आइडिया नहीं है मैंने कहा सर कैंपेन है कहते तो कैंपेन भी नहीं है ये एक मूवमेंट है सो ही गेम ये ब्रॉडर वर्जन ऑफ इट प्राइड वैंसे भी थोड़ा सा विजनरी था शाह साहब ने और एड कर दिया तो अब मेरे पास जो था पहले तो आई वॉज लुकिंग एट हीयर देन आई स्टार्ट लुक इन इट ऑल दो हजार स्काइस कि पाकिस्तान में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है पाकिस्तान में आने का मेरा मकसद इससे इसके पहले कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करूँ एक ही मेरा मकसद था वो ये था कि जब मैं यहाँ से गया मैं गया वहाँ चला गया अमेरिका आई नेवर टर्न बैक एंड नेवर लुक बैक कि पाकिस्तान क्या है पाकिस्तान में क्या हो रहा है नथिंग मैंने सिर्फ अपने करियर को देखा अपनी जो मेरी फ्लाइट थी मैंने वही जर्नी ट्रैवल किया उस वक्त मुझे ख्याल आया बीस पच्चीस साल के बाद यह हामिद सीद तूने अपने लिए बहुत कुछ किया अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया अपने बिज़नेस के लिए बहुत कुछ किया लेकिन तूने पाकिस्तान के लिए क्या किया एट दैट्स वन आई रियलाइज आई हैड डन नथिंग फॉर पाकिस्तान फिर मुझे ख्याल है नहीं यार ये तो बात अच्छी नहीं है टाइम टू पे बैक तो फिर मैंने सोचा मैंने कहा पाकिस्तान में जाके स्पेशली जो मैं आप जैसे बैठे हुए हैं डू यू यू आर माई टारगेट ऑडियंस मैंने सोचा अगर मैं ऐसे बच्चों के साथ जाकर बात करता हूँ ऐसे यूथ के साथ बात करता हूँ जो प्रॉब्लली रिमोट एरिया से आए हैं मे बी मैनी ऑफ यू कम फ्राम देयर अर्बन से भी आ सकते कोई मसला नहीं है जहाँ ड्रेस ग्रूमिंग की बात नहीं है जहाँ पर तो उसका कॉन्सेप्ट नहीं है कोई बता नहीं रहा कोई दिखा नहीं रहा तो मैं अगर उनकी हेल्प कर दूँगा तो आई थिंक आई कैन मेक एक ए लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर यू मैं एक बात आपको बता दूं जितना मर्जी आप मेहनती हो जितनी मर्जी आपके पास केबलिटी हो जितना मर्जी आपके पास एजुकेशन हो इफ़ यू डोंट लुक द पार्ट इफ़ यू डोंट लुक राइट लेट मी टेल यू द आप सिर्फ यहाँ तक जा सकेंगे इससे ऊपर जो है ना आपको किसी ने जाने नहीं देना मैं इंटरनेशनल बंदा मैं आपको मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा बल्कि टीच यू हाउ डू दैट ये दिमाग से निकाल लें कि आ, मैं हो जी मैं तो मैं तो इतना काबुल मेरे पास इतना स्किल सेट है क्योंकि जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं ना वो पता है क्या है वो सिर्फ एक चीज को देखते हैं वो कहते हैं स्किल सेट तो गिवन होना चाहिए आप कहते हैं ये मेरा स्किल तो सेट है वो कहते हैं तो इसके बगैर तो यू you नो know, आप ग्राउंड जीरो पे है ना स्किल सेट है एजुकेशन है ग्रेड्स हैं सारा वो तो गिवन है उसके बाद आप क्या टेबल पे लेके आ रहे हैं और उसमें सबसे पहली चीज़ है द मोमेंट्स यू वॉक इन। अब मैं आया हूँ अंदर आया हूँ तो आपने कुछ ना कुछ इमेज तो मेरे बारे में बनाया होगा ना आप ख्याल है मैंने आपको देख के इमेज नहीं बनाया मेरे भी माइंड में एक इमेज बना मेरे माइंड में मेज ये बनाया कि अच्छा बहुत ही कैजुअल है किसी ने आज एक बंदे में भी कोशिश नहीं की यार आज तो हमेशा ही तो आ रहे हैं इमेज पे बात होगी ड्रेसिंग पे बात होगी चलो मैं आज अपना बेस्ट ड्रेस निकाल लूँ बिकॉज आपकी ओरिएंटेशन में नहीं है ओरिएंटेशन में नहीं है आप यही इमेजिन करेंगे आप कहेंगे हो मैं तो जॉब इंटरव्यू जा रहा हूँ मेरे पास तो जो जो भी यूनिवर्सिटीज हैं काम सेट ले लिए अपना यू टी ले लें लम्ब ले लें नक्स ले लें ले ले, मेरे पास डिग्री है जो जहाँ आप जा रहे हैं मेरे पास डिग्री है गोदेन है आई हैव बॉन राइट जाऊंगा वो कारपोट बिछाएंगे मेरे लिए ऐसे नहीं होता तो इंटरनेशनली मैं आपको बता रहा हूं कि द फर्स्ट थिंग मैं आपको बताऊंगा बल्कि एक्चुअली आई प्रूव इट यू तो वो जो है ना दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट इंप्रेशन आप क्या देते सर मुझे क्या पता आप जीनियस हैं क्या हैं आप आए हैं मुझे ऐसा लगा बड़े वीक सी पर्सनैलिटी है लेट्स से फॉर इतना तो मैं आपको कैसे ट्रीट करूंगा मैं आपकी बात ही नहीं सुनूंगा आपने देखा ना किसी महफिल में आप बैठे होते तो क्या होता है चूंकि कोई बंदा जो है ऐसी बात करता है बड़ी ज़बरदस्त बात करता है आप उसको देखते हैं कैसे यार बंदे ने बात तो बड़ी जबरदस्त की लेकिन लगता नहीं है ऐसा है कि नहीं सर कितनी बार हुआ है हम दूसरे एक दूसरे को सरगोशियाँ करते भाई देखो यार बात बड़ी जबरदस्त कर रहा है लेकिन लगता नहीं है अच्छा अब आपने ये फिक्र किया कि क्या क्या किया है आपने उसकी क्रेडिबिलिटी यू हैव कट इन टू मे बी ट्वेंटी परसेंट तो इट डजेंट मैटर कि आपका स्किल सेट कहाँ पे है आपका हाँ ये बात याद रखिए स्किल सेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टिंग ट्रेनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंग मैं इसका सबूत देता हूं आपको से आप किसी बंदे को ले आते हैं। मेरे पास वो डिसेबल्ड है स्लॉपी मैसिंग है।, है मैं उसको बड़ा अच्छा यू you नो know, ड्रेस अप कर देता हूं मैं उसको बिल्कुल ही लुक्स लाइक ही ड्रेस टू किल एंड ड्रेस टू इंप्रेस अगर पढ़ा लिखा नहीं तो क्या होगा चूंकि मुंह से कुछ बोलेगा कोई सेंस बनेगी इसकी एंड यू नो समथिंग ही समी इन फॉल्स एट इन फेस एंड यू नो पीपल रू टारगेट ऑडियंस जो भी इससे बात कर रहा है देर रना को ना लाइक इी कि इसने हमें चीट किया है पीपल वॉन्ट ऑथेंटिक पीपल पीपल वॉन्ट प्योर पीपल जो आप हैं वो आपको प्रेजेंटेशन है तो आपने अगर अच्छा भी लगना भी है तो लातमी बात है पीछे आपके ग्रिप होनी चाहिए आपके कॉन्टेंट के ऊपर सो आई ओ एस ए दिस आई में ड्रेसिंग आए लेकिन लेटम यू दिस ड्रेसिंग इज नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वच यूर डूइंग वाई नाउ

क्या पाकिस्तानियों को ड्रेसअप नहीं करना आता आप ये करने आए ये तुम मैंने कहा सवाल नहीं पाया किसी पाकिस्तानी को ये यह कहते तुम्हें ड्रेसअप नहीं करना आता तो वो तो मेरी जान ही छोड़ेगा वो तो मुझे बिठा के दस लेक्चर दे देगा आप क्या समझते हैं अपने आप को आप मेरे कहा आप क्या समझते हैं मैंने कहा नहीं सर मैं इसलिए नहीं है मैं कत्ता नहीं इसलिए तो फिर क्या कर रहे हैं प्रॉब्लम क्या है मैंने कहा प्रॉब्लम बताता हूँ क्या प्रॉब्लम ये है कि एक दिन बंदा बड़ा अच्छा लगता है क्यों जी ऐसी बात है एक दिन बड़ा अच्छा लगता है दूसरे दिन देखते हैं सम अच्छा लगता है चीजें देखते हैं यार ये यही बंदा है हाउ मेनी टाइम्स इट है हमारी सिग्नेचर लुक नहीं है कंसिस्टेंट लुक नहीं है हम ब्रांड नहीं है हम तो एक <laughs> यो योज हैं किसी दिन अच्छे लगे किसी नहीं अच्छे लगे किसी दिन ये मूड की बात है मूड अच्छा हुआ तो ठीक है मूड नहीं अच्छा तो एनीवे शाह साहब की स्टोरी जो बेसिकली मैं आपसे शेयर करना कर आई थिंक इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर यू गाइस एंड देन आई विल गेट इन टू माई प्रेजेंटेशन सो शाह साहब ने जब शाह साहब मुझसे मिले साहब ने कहा चाहिए हमि साहब ठीक है यू नो आपका मैं यू नो आई आई रियली लाइक यू आई लाइक लाइक द यू नो व्हाट यू आर प्रेजेंटिंग एवरीथिंग तो मेरे बारे में बताइए कि मुझे क्या करना है तो मैंने कहा शाह साहब अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूं जैसे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं आप कभी अपीजिंग बात नहीं करते किसी को ऐसे खुश करने के लिए आप जो you नो know, कहते हैं ना कॉल इस पेड स्पेड तो मैंने कहा शाह साहब आप माशा कामयाबी की सीढ़ियाँ आपने बड़ी आपने यू यू नो हैव टेकन ऑल स्टेप्स अप देयर मैंने कहा लेकिन शाह साहब एक बात है जो आपकी डोमेस्टिक लुक है ना उसके लिए यू आर ओके मैं ओके okay का लवर चूज किया यानी कि एक्सीलेंट है मैंने कहा ओके okay. लेकिन जो आपकी इंटरनेशनल लुक है ना जहाँ पर अब आपकी फ़्लाइट है क्योंकि यहाँ से जब आपका नाम है और सारा कुछ है उसके बाद पाकिस्तानी कम्यूनिटी है डिफरेंट मुल्कों में जो आपकी तरफ देख रही है तो मैंने कहा इंटरनेशनल लुक आपकी होनी चाहिए शाह साहब ने कहा ओके ठीक है शाह मुझे कार्ड ब्लॉक mm. जिसे कहते हैं ब्लैंक चेक उन्होंने कहा ठीक है या हमें सब बताइए क्या करना है तो मैंने अब शाह साहब की ये रिसेंट लुक है पिछले दो तीन साल से आप देख रहे हैं वो दैट इज डिज़ाइन बाय मी उसको मैंने उन्होंने मुझे फ्री हैंड मुझे दिया और मैंने उनको बिल्कुल ये देख के कि इंटरनेशनल इनकी लुक कैसी होनी चाहिए क्या आ, यू नो इनकी जो स्टेटस और स्टैचर के मुताबिक लुक होनी चाहिए जो उनका स्टेटस स्टैचर बनता है ताकि कोई बंदा इनको डिसमिस ना करे यार ये बंदा दूर से देखकर नहीं या नहीं नहीं, नहीं, यार नहीं रहे हैं। कोई बात जो मैंने अभी की है और अगर शाह साहब को आप देख लें वर्डर पहला शाह साहब दिखाते भी हैं शायद उनकी इन्होंने एक दो वीडियोज बनाई हैं वो आपके साथ शेयर कर लेंगे कि जी इनकी पहली लुक होती थी और अब जो है यू नो ही इज़ वेरी वेरी

पुराना वो ऑर्डर जो पैकअप कर दिया तो जब मैंने देखा तो मैं बड़ा अपसेट हुआ मैंने कहा यार ये तो मेरी लुक ही नहीं है तो उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद जब मैंने अब बादल नखास्ता कत्ता गया मैं तो टाइम पड़ा थोड़ा सा लोग बाहर बैठे हुए थे तो मैंने वो जो है वो पहना तो कहते है आप हमेशा इमेजिन करें आप बिलीव नहीं करेंगे रातर कि जब मैं ऑडियंस के सामने गया हूँ तो मुझे ऐसे लगा कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ साफ भूल गए इमेजिन कैसे so, yeah, मुझे ऐसा लगा जैसा अच्छा बड़ा फिर को गैदर किया मैंने किया तो मैंने वो यू नो आई पुल माई सेल्फ टूगैदर तो उसके बाद जब मैंने बात की तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं कोई बारोड किसी बंदे की किसी की लेके मैं बातें कर रहा हूँ तो कॉन्फिडेंस लेवल देखिए वो कॉन्फिडेंस वे आप उसके बाद की भी बात है एक दिन भी अगर आप वंस यू स्टार्ट ड्रेसिंग वेरी जिसे कहते हैं प्रॉपरली इन ऑल दैट जिस तक आप वो ड्रेसिंग प्रॉपरली नहीं करेंगे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाएगा तो हैविंग सेट दैट उन्होंने मुझे शाह साहब ने खास स्पेशली कहा कि आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँ तो अगर शाह साहब जो हैं वो अपने आप को देखें शाह साहब ने हर एरिए में उन्होंने आई वुड से कि इम्प्रूवमेंट किया फाउंडेशन बनाई है पहले फाउंडेशन नहीं होती थी उन्होंने यू you नो know, जितने भी उसके उनके पार्ट से मतलब लाइफ के या जितने लाइफ में उनके यू नो आई मीन सेगमेंट से uh, you know, uh, of, you know, उन्होंने हर सेगमेंट में माशा जो है ना सिग्निफिकेंट मैं आप कहूँगा बल्कि यू नो क्वाइट क्वाल बिट ऑफ जो उन्होंने उसमें इन्हसमेंट किया है इस तरह उन्होंने ड्रेसिंग में भी आप में बाकी चीज़ें भी हैं वो भी आप करेंगे आपका कैरेक्टर भी बड़ा अच्छा होना चाहिए क्यों नहीं वाई नॉट आपका लग्स का कनेक्शन भी बड़ा अच्छा होना चाहिए आपकी सोल भी बड़ी अच्छी होनी चाहिए अगर मैं सिर्फ आपको ड्रेसअप कर दूँ और आपकी सोल ठीक ना अच्छी ना हो आप यू नो प्योर सोल ना हो आपका इंटेग्रिटी ना हो कैरेक्टर ना हो तो फिर स्टिल ना गो एन गेट एनी प्लेस तो इसको लेट मी जस्ट स्टार्ट दिस माय स्टोरी थो गई मेस्ट अबाउट ड्रेसिंग कहते हैं ना अगर आप पहले अनलर्न नहीं करेंगे तो लर्न कैसे करेंगे यानी और ग्लास पूरा पानी का भरा हुआ है तो कैसे यू नो हाउ यू कू नो एड मोर वाटर इन पॉसिबल नहीं है ठीक है तो आपने क्या है पहले हमने अनलर्न करनी है चीज़ें और फिर लर्न करनी है अच्छा ये मेरा सेगमेंट ही एक दो घंटे का लेकिन हम इसमें से एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें लेंगे उसके ऊपर बात करेंगे पहली बात ये बात अब हो चुकी है बाई द वे एजुकेशन एक्सपीरियंस स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट कि ड्रेसिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैंने आपको अपनी टेक दे दी है कि ड्रेसिंग सेकेंड है पहले आपका जो है वो ये एजुकेशन है आपका स्किल सेट आपकी ट्रेनिंग है सो डोंट यू नो थिंक दैट हेज नॉट इम्पोर्टेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये आ गया आपका मार्क्स जुक्रबर मैं जहाँ भी जाता हूँ मार्क्स जुक्रबर मेरा फॉ मुझे फॉलो करता है कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क्स जुक्रब ज़रूर होगा हमेशा आप तो यू आए हैं आप तो वहाँ सारा कल्चर समझते हैं ये समझते हैं वहाँ एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल आदमी है उसका नाम है मार्क जुक्रबर और मार्क जुकुरबर तो टी शर्ट पहनता है और जीन्स पहनता है तो आप हाँ तो आते हैं प्रोफेशनल ड्रेसिंग के ये होना चाहिए ब्लेजर होना चाहिए ड्रेस पेंट होनी चाहिए ड्रेस शर्ट होनी चाहिए चलें सूट ना हो थ्री पीस सूट ना हो तो कम अज़ कम आपको बहुत प्रजेंटेबल लगना चाहिए तो मुझे तो कहते माक्स चुक्रब तो ये कहते आप क्या कैसे कह रहे हैं भाई द वे मार्क्स कर बोल टी शर्ट्स एंड जीन्स क्यों पहनता एनी बॉडी एक करके सोचना ना पड़े ताकि वो ईजी है ठीक है तो और He's a he's a brand, so he doesn't have to worry about you know wearing anything. You know, खुद brand है Comfort zone. Comfort zone. किसने कहा Comfort को जी कम्फर्ट यार? I wanna feel comfortable. You know. मेरे लिए कम्फर्ट जब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई एनी बडी याद उसका अपना स्टाइल है स्टाइल भी हो गया comfort भी हो गया उसके बाद easy भी हो गया सारा कुछ हो गया जब उससे पूछा गया कि तुम ऐसे क्यों पहनते हो हर रोज ऑलमोस्ट तो सेम कपड़े क्यों पहनते हो उसने क्या जवाब दिया उसने कहा कि मैं आई ड्रेस द सेम वे एंड आई वेयर टी शर्ट एंड जीन एवरी सिंगल डे प्रॉब्लम सेम टी शर्ट ए जीन द रीज़न बींग दिस आई हैव नो टाइम इन द मॉर्निंग टू थिंक अबाउट वाट हाउ टू ड्रेस अप सो व आई डू इज़ मेरे पास जो कपड़े हैं मैं उसको ईजी से वो मैनेज कर लेता हूँ पहन लेता हूँ एंड आई यू नो आई एम सो एक्साइटेड टू गो टू वर्क ये उसने कहा अच्छा अब क्या हकीकत में वो ऐसे ही करता है हकीकत में ऐसे नहीं करता है। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ एक एग्जाम्पल तो ये है अगर आपको थोड़ा बहुत फॉलो किया आपने आई टी फील्ड को भी तो उसमें यह है कि एक डेटा बेस ब्रीच हुआ फेसबुक का एंड देन ही वॉज एस्ट टू टेस्टिफाई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बाई द वे नहीं कि आए हेलो हाय करने आओ हमारे पास सेनेट और कांग्रेस जो उनकी टॉप कोर्ट है उसने उसे बुलाया क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के भाई तुमने ऐसे क्यों किया है वाई यू स्टोर पीपल्स डेटा आई मीन एक्चुअली नॉट सोल्ड स्टोर बाई वाई यू सोल्ड योर डेटा टू पीपल दैट यू नॉट सपोज टू है उस दिन उसने क्या पहना हुआ था अगर आपने पिक्चर देखी मैं भी आपको दिखाऊंगा सिर्फ सूट नहीं पहना हुआ था टाई भी लगाई थी सिर्फ टाई भी नहीं लगाई थी वो लग रहा था ऐसे जी क्यू मैगजीन एक बहुत बड़ा मैगजीन है स्टाइल का उसका मॉडल लग रहा था अच्छा उस दिन मार्क्स दो के पास टाइम कैसे आ गया सुबह तो वो तो टाइम ही नहीं वो कहता आई एम सो बिज़ी मैं आपको बता दूँ उसके पास टाइम क्यों आ गया एंड आई नो द कल्चर अमेरिका में यू नो पॉलिटिक्स वगैरह में मेरे काफ़ी शौक़ हुआ कहा तो मुझे पता कि क्यों हुआ क्या उसके तब ही न्यू इट कि अगर वो टी शर्ट और जीन में गया उनके सामने जो सेनेटर हैं उन्होंने इसे गिल्टी कर देना था उन्होंने कहना था इस वास्त नहीं कि इस वजह से नहीं कि ये गिल्टी था उन्होंने कहना था कि ही हैज़ नो रिस्पेक्ट फॉर आस यस नो रिस्पेक्ट तो जो ड्रेसिंग है ना उसकी एसेंस क्या है वो है रिस्पेक्ट आपने पहले अपने आप को रिस्पेक्ट शो करनी जो बंदा अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं शो करता वो किसी को रिस्पेक्ट शो कर सकता सर सवाल ही नहीं पैदा होता तो सबसे पहले आपने अपने आप को रिस्पेक्ट शो करनी आपने कैसे करना है रिस्पेक्ट सर का एक तो नहीं बुलाना ना सर क्या हाल है आपका तो बेहतरीन तरीका यह है कि आपने अपने आप को प्रेजेंटेबल करना है जो ही आप प्रेजेंटेबल होकर मिरर के सामने जाएंगे तो क्या होगा यार आई लुक गुड तो ये है डिस्पेक्शन दूसरी बात जब भी आप इससे मिलते हैं सलर so, से आप मुझे घर में इनवाइट करते हैं आइए आपको डिनर करवाते हैं तो आप अंदर से वो पजामा पहन के आ जाते हैं ठीक है आंखें ऐसे मल रहे हैं ठीक है बाल आपके खड़े हैं तो मैं ये कहूँगा ना कि यार बुला के भूल गए हो भाई आप हम कैसे इस्तेबाल करते हैं लोगों का चलें ठीक है थ्री पीस सूट तो ना पहनेंगे लेकिन आप थोड़ा प्रेजेंटेबल होकर तो आएंगे क्योंकि सर सही बात है कि नहीं है शादी पे अगर आपको किसी ने बुलाया हो आप टी शर्ट जीन पहन के जा सकते हो वहां पे no, क्यों नहीं आप तो यू योर ओन पर्सन प्रेजेंटेबल किसके लिए प्रेजेंटेबल नहीं है आप हाँ क्या वो आपको माफ़ करेंगे कभी दे विल नेवर फ्री गिव यू कहेंगे शादी में बात कर दी इस बंदे ने आप तो क्या है ये रिस्पेक्ट आप शो करते हैं तो आप यहां पे क्यों नहीं रिस्पेक्ट शो कर रहे आप फाउंडेशन पर क्यों नहीं रिस्पेक्ट शो कर रहे और आप जहां भी मिलने जाते हैं वहां ये नहीं कह सकते जी आई रिस्पेक्ट यू कैसे आपने रिस्पेक्ट शो करनी है आपने प्रजेंटेबल होकर जाना है तो प्रजेंटेबल कैसे होंगे इसका इनशाला यू नो ऑल शेयर आल ऑफ थिंग्स विच यू अच्छा ये बड़ा क्विकली क्योंकि हम मुसलमान हैं और हम बड़े फ़खर से हम मुसलमान हैं पाकिस्तान में हम रहते हैं पाकिस्तान एक आ, मुस्लिम कंट्री है तो इस्लाम में जो है वो कॉन्सेप्ट क्या है लिबास का हमें पता होना चाहिए ठीक है ना आपको काफ़ी पता है थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ तो इस्लाम में यह है कि अल्लाह ताला ने दो आयातें एक आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि लिबास मेरी पहचानों में से एक पहचान है तो अब अगर हम अगर पढ़ें तो हमें समझ नहीं आती पहचान कैसे बन गई लिबास कैसे पहचान बन गया अल्लाह का तो अल्लाह ताला, ताला फरमाते हैं जो चीज़ मैंने बंदे की फितरत में डाल दी वो मेरी पहचान है जैसे जमीर डाल दिया है जमीर जो है हमें बता देता है हलाल क्या है हराम क्या है राइट क्या है रॉन्ग क्या है इस तरह लिबास जो है ये भी अल्लाह ताला ने हमारी फितरत में डाल दिया है ये आप देखें कि जू ही बंदा थोड़ा सा नेकड होता है या एक्सपोज होता है तो फौरी तौर तो पर क्या करता है कपड़े पहनता है तो उसमें शर्मो हया सबसे की है शर्मो हया डाल दी है फिर हमारे पास गौरव फिक्र डाल दिया है फिर हमारे पास अल्लाह ने रिसोर्स क्रिएट कर दिए हैं क्लोदिंग कैसे प्रोड्यूस करते हैं फैब्रिक कैसे बनता है सारा कुछ है तो ये एक आयत है दूसरी बड़ी कंपनी है सब आयत ये है जैसे अल्लाह ताल फतम कि तीन मकासद हैं कवर योर सेफ़ प्रोटेक्ट योर साफ़ एंड लुक ब्यूटीफुल कवर योर सेल्फ में क्या है सतह ढांपना सतह ढां सब सबको आता है उसके ऊपर बात नहीं करते हम ठीक है ना और इसकी डिफरेंट इंटरप्रटेशन है सतह ढांपने की और इस अप टू द पर्सन के वो कैसे मैन के लिए तो हमें पता है वेमेन के लिए दे आर डिफरेंट इंटरपटेशन तो आप देख लीजिए कहाँ पर आप कंफर्टेबल फ़ील करती हैं तो कवर योर सेल्फ इज़ फर्स्ट सेकेंड इज़ प्रोटेक्ट योर सेल्फ़ वो क्यों प्रोटेक्शन इसलिए कि अल्लाह ताला नहीं चाहते कि हम हर्ट हों जैसे एक माँ जो है वो अपनी चाहती कि बच्चा उसका हर्ट हो छोटा इन्फेंट हर्ट हो तो क्या करती है सर्दी में उसे लपेट के रखती है गर्मी में एक शोर कितनी सफोकट नहीं है एंड ऑल दैट बिकॉज शी लव द चार हम भी अल्लाह की मखलूक हैं अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम हर्ट ना हो तो अल्लाह ताली कहते हैं कि जो लिबास है वो प्रोटेक्शन के लिए बनाए तो आप कहेंगे अच्छा जानवर की प्रोटेक्शन क्या है तो उसकी जानवर की प्रोटेक्शन क्या है उसकी स्किन है वो उसकी प्रोटेक्शन भी है और उसकी खूबसूरती भी है कभी परिंदे के पर देखें कितने खूबसूरत होते हैं चीते की आप स्किन देखें कितनी खूबसूरत है शेर की स्किन देखें तो अल्लाह ताला ने उनका ठेक उनकी भी उनका भी अल्लाह ताला तेक कर किया है लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है जो हम मशमखलूक हैं हमें बताया गया कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है अच्छा प्रोटेक्शन का मतलब क्या है सर्दी में क्या पहनना है गर्मी में क्या पहनना है तूफ़ान में क्या पहनना है हाइकिंग पर जा रहे हैं क्या पहनना है स्विमिंग जा रहे हैं तो करने तो क्या पहनना है आपने एक मीटिंग में जाना क्या पहनना है तो अल्लाह ताली ने आपको सारा ये बताया कि आपने किस तरीके से अपने आप को आप प्रोटेक्ट करना है तो देट द सेकेंड थिंग और लेकिन जो मेन है जिसमें अल्लाह ता कि लिबास जीनत के लिए अल्लाह ताला ने किस लिए बनाया जीनत के लिए क्यों जीनत के लिए बनाया इसलिए कि अल्लाह ताला खुद खूबसूरत है अल्लाह ताली खूबसूरत चीज़ों को पसंद करते हैं वो कहते हैं कि मेरा अशोर मखलूक़ात जो है ये इतना खूबसूरत है इतनी खूबसूरत है जिसको लगना चाहिए ख़ूबसूरत सो लुकिंग ब्यूटीफुल हम कोई राहब नहीं है कि हम कपड़े फाड़ के मेले को चहले हम चले जाएं जंगलों में चले जाएं इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट नहीं है पढ़ लीजिए आप आई एम श्योर के यू ऑलरेडी नो दिस हमारा दीन जो है बहुत आला दीन है उसमें एक एक चीज़ जो है वो इंसान को यहाँ से उठा के उसकी जितनी भी उसकी एलिवेशन है वहाँ लेके जाती है बुलंदियों तक लेके जाती है इंसान को तो उसमें क्या है कि ब्यूटीफुल लगना है हमें खूबसूरत लगना है लेकिन एक कैियट एक वार्निंग सुन लीजिए इसके साथ साथ खूबसूरत लगना है लेकिन फ़ख्र नहीं होना चाहिए गरूर नहीं आना चाहिए तकबर नहीं आना चाहिए अगर गरूर तबकबर आ गया तो लेट मी यू दिस दैट्स पीटा पाथ टू डिस्ट्रक्शन तकब्बर गरूर कैसे है तकबर गरूर यह है कि मैं अभी देखें मैं ड्रेस अपू आई थिंक आई एम फेयरली नाइसली ड्रेस अगर मेरी अभी मैं ऐसे चल रहा हूँ जो मैं नॉर्मली ठीक है ऐसे चल रहा हूँ अब मैं वापस आता हूँ अब मैं आपको एक एरोगेंट और तकबर अली वक्त कहा अब मैं कहाँ देख रहा हूँ मैं यहां देख रहा हूँ नाक मेरी कहां है यहाँ है गद्दे मेरी कहां है यहाँ है हैव यू सीन पीपल लाइक दैट इन पाकिस्तान मैनी पीपल लाइक दैट सीन वो है तकबर करूर मैं आपको खूबसूरत लग रहा बताऊंगा दिखाऊंगा सारी चीजें आपको यू नो ऑल एक्सप्लेन दैट बट आई हैव नथिंग टू डू विद दिस विदेशिया तकबर अरूर आपने नहीं करना दूसरी बात तकबर मैं पाऊँ मार मार के चलना शुरू कर दूँ जमीन पर ठीक क्या है तकबर अरूर है तो हमने ड्रेसअप होना है हमने अच्छा लगना है हमने खूबसूरत लगना है बट वी अगर अवॉइड दिस के हमने तो कमरा ग्रू नहीं होना चाहिए दिस इज द्रक्स ऑफ माई प्रजेंटेशन पढ़ लीजिए अगर आप इस फिक्रे से इख्तलाफ करते हैं तो देन आई विल वेरी पोलाइटली से आप इस कमरे से बाहर जा सकते देन वी आर नाट ऑन द सेम पेज ये फिक्रा क्या कहता है बाई द वे में के पी से लेके कराची तक जब मैं सेंटेंस आई पुट इट अप देयर अभी तक एक बंदे ने भी नहीं कहा कि मैं इसे डिसग्री करता हूँ कहते हैं कि रिमेम्बर बिफोर यू अटर सिंगल वर्ड इन ए मीटिंग योर क्लोदिंग योर अटायर योर पर्सनैलिटी योर पर सोना हाउ यू कैरी योर सेल्फ एवरीथिंग ऑल अबाउट दिस है पहले का मुंह खोले जिसे कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन फर्स्ट इंप्रेशन इस मैं इसको आपको प्रूव करके दिखाऊंगा अभी <coughs> कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन कितने लोगों ने सुना हुआ सब ने सुना है फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्टिंग इंप्रेशन यानी कि हमेशा लास्ट करता है सो so, कितनी देर लगती है फर्स्ट इंप्रेशन बनाने में थर्टी सेकेंड्स वैसे थर्टी सेकेंड लगते थे आज का थर्टी सेकेंड नहीं लगते आई थिंक्स आर वेरी फास्ट नाउ डेज वो ब्लाइडिंग स्पीड के साथ है आज का सेवन सेकेंड्स लगते हैं बल्कि ब्राइन ट्रेसी का नाम सुना है किसी ने ब्राइन ट्रेसी बहुत मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर प्रॉइंट वो कहता है कि यू मेक योर फर्स्ट इंप्रेशन इन द फर्स्ट वन टेंथ ऑफ ए सेकेंड वन टेंथ ऑफ ए सेकेंड क्या है सर मैंने सिर्फ ऐसे ग्लैंस लिया आपसे मैंने आपको पूरा मैंने उसको डेढ़ आर की तरह को पूरा देख लिया आपने मुझे देख लिया वन टेंथ सेकंड में मैंने आपके बारे में कुछ जजमेंट्स बना ली माइंड में आपने भी मेरे बारे में जजमेंट्स बना ली है. कुछ ना कुछ, कुछ प्रसीव आपकी जो नोशन हैं जो जो भी आपने यू नो फिगर आउट किया है तो वन टेंथ ऑफ ए सेकेंड में हम बता देते हैं इसका मतलब है कितना जरूरी है कि द मोमेंट यू वॉक इन इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट आप क्या प्रेजेंट करें अपने आप को अच्छा इसमें अब आप, मैं आपको कुछ थ्री ब्रेक डाउन करके कुछ चीज़ें बताता हूँ जो कभी आपने शायद इसके बारे में कभी सोचा ना होगा सबसे पहली बात जो ही आप किसी कमरे में एंटर होते हैं चाहे दस बंदे बैठे हैं एक बंदा बैठा है चाहे आप कैजुअल कॉन्वर्सेशन के लिए जा रहे हैं या आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं किसी चीज़ के लिए प्रोफेसर को मिलने जा रहे हैं एनी सिचुएशन किसी नए दोस्त को मिलने जा रहे हैं किसी सिचुएशन नेटवर्किंग के लिए जा रहे हैं सबसे पहली चीज आप बताते हैं अपने बारे में आपका सोशल क्लास क्या है सोशल क्लास का मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि आप एफ्लुएं सेगमेंट से बिलोंग करते हैं आप मिडल क्लास से बिलोंग करते हैं आप लोअर मिडिल क्लास में बिलोंग करते हैं लोअर लोअर से बिलोंग करते हैं आप किसी विलेज से बिलोंग करते हैं फॉर दैट मैटर आप किसी पोअर इन्वायरमेंट से बिलोंग करते हैं यह है सोशल अच्छा जी आप सारा आपको बताते हैं फौरी तौर पर बंदा देख के कहता है क्यों जी हम करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा मैं ये नहीं कहता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो वो एक फिलोसॉफिकल डिस्कशन लग गया अलग है लेकिन हम करते हैं अच्छा इसमें अब सेंट्रल बात क्या है बुनियादी बात क्या है बुनियादी बात यह है कि जो जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं आप करते हैं ना वो तो आप चेंज नहीं कर सकते ना इफ़ आई वज बॉर्न दे आर इन ए वेरी काइंड ऑफ लाइक ए हम्बल फैमिली तो कैन आई चेंज आई कैन चेंज अगर मैं इलीट से बिलोंग करता तब भी चेंज नहीं करता किसी भी टाइप में इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि डू यू लुक वेल ग्रूम्ड यू लुक वेल ग्रूम्ड अगर आप वेल well ग्रूम लगते हैं तो आई कैन एश्योर यू मीन इंटरनेशनल गाई आई ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड आई कैन एश्योर यू नो बडी विल एवर क्वेश्चन यू यू हु आर दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए वेल ग्रूम्ड और एजुकेशन ताकि वेल ग्रूम है कि आप लगें कि यार है

कौन सी फैमिली से होगा अमीर है गरीब है कितने पैसे होंगे इसके पास यू आर ओपनिंग क्वेश्चन तो आप देखिए इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है किसी भी आप जगह पर जाएंगे सबसे पहले उन्होंने देखना है कि आपकी सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं और अगर हमारी सोशल क्लास वो नहीं है जो हम समझते हैं कि होनी चाहिए वर एवर यू नो सम पीपल यू नो दे 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 थिंक शुड बिलोंग देयर लेकिन अगर हमारी वेल अगर यू आर वेल देन लेट मी यू दिस नो क्वेश्चन दूसरा लेवल ऑफ सक्सेस जो ही आप एंटर होते हैं अगला बंदा कहता है अच्छा कितना को कामयाब होगा पता नहीं है कितना है रियलिटी में होता है ना कामयाब हो लगता है कि नहीं है कामयाब तो क्या आपको सोचना चाहिए सुबह जब तैयार हो क्या यहाँ फाउंडेशन में आ रहे हैं आप सर आपसे पूछ हूँ आप आपने क्या समझते हैं आप सक्सेसफुल लगते हैं नहीं। आप सर सक्सेसफुल लगते हैं कामयाब लगते हैं देखने से कौन है यहां पे जो कहे जी मैं कामयाब लगता हूं यहाँ सामने आ जाएंगे यानी भाटी अच्छा अगर आप कामयाब नहीं लगते तो फिर क्या लगते हैं कामयाब का अपोजिट क्या है नाकाम तो एक बंदा अगर नाकाम लगता है इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाता है जॉब इंटरव्यू में जाता है कहीं भी उसने जाकर पिछले दिन टे शिक है बंदा कहता है ये तो बंदा ही नाकाम लगता है उसकी कौन सुनेगा आप सर हायर करेंगे किसी बंदे को जो नाकाम लगता है चाहे उसकी सीवी कितनी जबरदस्त किस्म की हो आप यार बंदा ही लूजर लग रहा है क्यों सर आप किसी फायर करेंगे आप किसी से बिजनेस डील करेंगे सर आप किसी से प्रोडक्ट खरीदेंगे ये बंदा ही बड़ा लगता है कि बड़ा यू नो डिस्बल सा लग रहा है मैसेज सा लग रहा है क्यों सर आप किसी कामयाब बंदा कामयाब नहीं है आप इसका कोई बिजनेस स्टार्टअप करेंगे कि यार इसे पार्टनरशिप कर लो आप किसी जगह पर इसको इस आप गुजर करके देखिए अगर आप कामयाब नहीं लगते लेट मी टेल यू दिस द गेम इज़ ओवर फॉर यू ये भी नहीं कहता कि इंपॉर्टेंट है गेम इज ओवर तो गेम तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई कुछ समझ में आ रहा है क्या क्यों इंपॉर्टेंट है ये मेरे मैं यहाँ ये बताने नहीं आया कि आपको नाइस लगना चाहिए आपके कपड़े प्रेस हुए होने चाहिए और आपके साफ सुथरे कपड़े आपकी मा, माँ हमारी माए जो है वो बताती हैं शुरू से बता रही हैं है हमें हम यहाँ लेके जा रहे हैं बात को हम जहाँ लेके जा रहे हैं बिकॉज यू हैव अ फुल लाइफ हैड ऑफ यू यू हैव अ फुल करियर हैड ऑफ यू एंड आई वन मेक श्योर दैट नो बॉडी टेक्स यू लाइटली फ्रॉम अगर आप मेरे सब कोऑपरेट करेंगे आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे उसके बाद आप जब आपको ये पता लगेगा मैं काम जब नहीं लगता आप घर से निकलेंगे बाहर आप दस दफा शीशे में देखेंगे ये नहीं है कि अभी आपको आपने अवार्ड लेने जाना है तो आपको कामयाब लगना चाहिए डेली लाइफ में आपको कामयाब आप बस में बैठते हैं कामयाब नहीं लगते क्या होता है कंडक्टर कैसे डील करता है ऐसे फदूलती शुरुआत भी पहनी है प्रेस भी नहीं हुआ है कुछ भी नहीं हुआ पत्नी शुरुआत शु, 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 कहीं जा रही है शूज़ कहीं जा रहे हैं बाल कहीं जा रहे हैं तो क्या कैसे आपको एंटर करता है वेलकम कैसे करता है धक्के से वेलकम करता है या कहता है हाँ सर आप आ गए रेस्टोरेंट में किसी में चले जाएँ अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाएँ आप जाएँ आप जाएँ कि जी हाँ मैं खाना खाएँ अच्छा जी उधर बैठ जाइए मेरे जैसा बंदा आता है स्वटर वूटर आता है वो कहते हैं जी आपको कहेंगे जी रश बड़ा अंदर आप ज़रा तो इंतज़ार करें मैं आया हूँ मैं जनाथ साहब में नाइस ड्राइसर सर आप कितने लोग हैं मैं कहती तीन चार लोग हैं अच्छा चार लोग हैं सर आ जाइए आप बैठे कहते तो यार हम नज़र तो नहीं आ रहे तो घंटे तो से बैठे हुए हैं वो तो कहते नहीं सर की रेजर्वेशन थी सर की रेजर्वेशन कोई नहीं थी मैं आपको अपना पर्सनल वाक्य शेयर करता हूँ आपको सिर्फ ये बात जो है इसको समझाने की खाता मैं न्यूयॉर्कर यॉर्कर हूँ तो मैं ट्रैवल करता हूँ न्यूयॉर्क तो मैं प्लेन में था प्लेन यहाँ से गया तो कतर गया जहाँ भी वो होम कंट्री होता है पहले वहाँ ले जाता है फिर उसके बाद दोबारा चेक इन होती है यू एस ए बिलीव नहीं करता वो कहते दोबारा सिक्योरिटी चेक होगा बंदों को बाहर निकालो दोबारा चेक इन करो तो हम तीन सौ पैसेंजर हैं बहुत बड़ा प्लेन है तो हम दोबारा चेक इन के लिए सारे खड़े हैं मैं आई वॉज इन रो अब सारे कतार में लगे हैं आई वॉज द फिफ्टी पैसेंजर मैं वहाँ खड़ा हूँ तो खातून जो है यूरोपियन खातू जो ही चेक इन खोलती है मुझे कहती है कम कमीयर लो जी मारे गए से तीन सौ बंदे से मुझे बुला रही है कुछ चीज़ है कोई पासपोर्ट क्या मसला इसको हो जाए मैं क्या मैं क्या मैम यू कॉल मी एम हियर कहती है या वुड यू लाइक टू ट्रैवल इन फर्स्ट क्लास मुझे कहती फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करोगे मैं क्या श्योर अगर कॉम्प्लीमेंट्री है अपग्रेड होता है ना सुना सुनो अपग्रेड अपग्रेड का मतलब जो क्लास में आप ट्रैवल कर रहे हैं वो आपको विदाउट पेइंग एनी मनी वो आपको अपग्रेड कर देते तो मैंने कहा अगर यू नो इफ यू कैन अपग्रेड मी विदाउट एनी मानी ऑफिस श्योर कहती इसीलिए बुलाया मैंने <laughs> श्योर मैं, कहते बोर्डिंग कार्ड दे तो मैंने बोर्डिंग कार्ड दिया उसे मैं फाड़ के वहाँ उसे डस्टबिन में फेंका नया बोर्डिंग निकाल कार्ड निकाल के फर्स्ट क्लास के, मुझे का मुझे कहती है नाओ यू डोंट हैव टू वेट देयर दिस इज द लाइन गो इन आई मीन दिस इज द प्ले दिस दिस द वे गो इन देयर एंड इन्जॉय द राइड रॉय द फ्लाइट अच्छा मुझे पता था उसने मुझे क्यों सेलेक्ट किया मुझे पता था लेकिन फिर भी मैंने कन्फर्म करने के लिए उसे पूछा मैंने कहा मैम देर आर थ्री हंड्रेड फिफ्टी पैसेंजर्स यू ओनली वाई यू कॉड मी वाई यू सेलेक्टेड मी तो मुझे उसको जवाब सुनिए तुझने कह दिया वो कहती है आई सेलेक्टेड यू बिकॉज यू लुक लाइक ए फर्स्ट क्लास पैसेंजर क्या कहा यू लुक लाइक ए फर्स्ट क्लास पैसेंजर अच्छा मैंने क्या पहना था ये नहीं कि मैंने को थ्री पी सूट पहना था टाइपिंग लगाई थी पॉगर्स लगाया था कफलिंग लगाए थी ऐसे में बड़ा ड्रेसअप होकर नहीं मैंने सिर्फ ये किया था मैंने कोट जिसे ब्लेजर कहते हैं जैकेट वो पहनी हुई थी साथ में नाइस पेंट पहनी थी नाइस शूज़ पहने थे नाइस बेल्ट पहनी थी वाइट शर्ट पहनी थी ओपन कॉलर शर्ट पहनी थी मुझे पता है जितनी भी दुनिया में अमीर तरी लोग ऐसे ट्रैवल करते तो मैंने ऐसे ट्रैवल किया होता कोई ख़ास बात नहीं अगर आपने कोट पहन लिया पेंट पहन लिया शर्ट पहन ली ड्रेस पहन कोई ऐसी कोई लाखों करोड़ों रुपए का ड्रेस तो नहीं है ना तो हाउ पीपल ट्रीट यू याद रखें इफ यू लुक पुअर अगर आप गरीब लगेंगे दुनिया आपको गरीब की तरफ ट्रीट करेगी रीब को कैसे सर ट्रीट करते हैं दुनिया में डिसमिस करते हैं बाबा जाओ उधर पर आओ बेटा जाओ नहीं नहीं यार मैं बेची हूँ चलो अब यार हम तो मुसलमान हम कहते हैं आराम से कहते हैं नहीं यार नहीं कहना नहीं चाहिए आप कहीं फ़ॉरन कंट्री में तो पुश कर देते हैं कहोगे सिर्फ ये देख के कि आपकी लुक क्या है क्या अभी आप अब कन्विंस हुए हैं कि इम्पोर्टेंट कितना है पर्सनल yes, लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में अभी तो आगे चलती है बाद अभी तो पार्टी शुरू हुई है तो लेवल ऑफ सक्सेस अगर आप कामयाब नहीं लगते लेट मी टेल यू दिस माय फ्रेंड द गेम इज ओवर एंड गेम इज ओवर बिफोर इवन इट स्टार्टेड नेक्स्ट वन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हा माय गॉड ए इतना कॉन्फिडेंट नहीं लगता सर अगर आप कॉन्फिडेंट लगते हैं, आप यहां आए आप जरा बात करें देखिए कितने लोग आपकी बात सुनेंगे पहली बात तो है कॉन्फिडेंट अगर आप नहीं लगते तो आप सीधे बात भी नहीं कर सकेंगे ऐसी बात है कि नहीं है अच्छा आप जो कॉन्फिडेंट नहीं लगता उसको को हायर करेगा आप सारे एम्प्लॉयर हैं से अल्लाह कर एक दिन इम्प्लॉयर हों बंदा आता है बड़ा शेकी सा है ऐसे ऐसे देख रहा है ऐसे कर रहा है बड़ा उसे जैसे अपने ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है आप उसे हायर करेंगे आप कहेंगे हो बंदा आ गया इसको जहाँ हायर करो ये हमारी कंपनी को कहाँ कहाँ लेके जाएगा वो तो अपने आप, कहीं नहीं आप को कहीं लेके गया कंपनी को कहाँ लेके जाएगा वो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं लगते तो अगेन लिसन टू मी द गेम इज़ ओवर अगेन कॉन्फिडेंस सिर्फ दो चीज़ों से आता है मैंने पूरी रिसर्च की है मैं दोनों चीज़ें आपको बता देता हूँ एक कॉन्फिडेंस पता कहाँ से आता है आपके पास जो स्किल सेट है आपका जो एजुकेशन है जो आपके पास ग्रिप है कॉन्टेंट के ऊपर अगर वो नहीं है तो बिलीव ए नॉट कॉन्फिडेंस नहीं आएगा मैं आज आपको ख्याल मैं कॉन्फिडेंट लग रहा हूँ yes, yes, क्यों क्योंकि मुझे बोलना आता है मुझे ग्रिप है आप कोई मुझे ड्रेसिंग के ऊपर क्वेश्चन कर लें मैं आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह तो आपके पास कॉन्फिडेंस आता है आपकी एजुकेशन से आपकी स्किल से इसके ऊपर तफील से बात हो चुकी है अगर वो नहीं है तो बिलीव इन नाट आई कैन यू लेकिन उसके बाद दूसरी ये कॉन्फ्रेंस आता है दो वे लोग आपकी ड्रेसिंग कैसी है आप कैसे लगते हैं सिर्फ ये दो चीजें हैं अगर आप अपनी ठीक कर लें लेट मी अश्योर यू ऑल ऑफ यू आर वेरी टैलेंटेड पीपल एंड लेट मी अश्योर यू नो बड़ी कैन स्टॉप यू इन द वर्ल्ड जहां आपने जाना चाहते हैं आप चले जाएंगे जिस बुलंदियों पर जाना चाहते हैं आप चले जाएंगे यू विल टच द हाइट्स ऑफ सक्सेस ये दो चीजें अगर आप पर अगर एक चीज है देन आई वी लीड आउट इट चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो ड्रेसिंग हो दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए तो ये है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अथॉरिटी अच्छा आप आते हैं एक मीटिंग के लिए आते हैं आप जॉब इंटरव्यू के लिए आते हैं अच्छा आजकल जो है जितने भी एम्प्लॉयर हैं वो कैसे बंदे को ढूंढ रहे हैं वो लीडर्स को ढूंढ रहे हैं वो ढूंढ रहे हैं कि जो बंदा हमें आगे लेके जाएगा जिसमें यू you नो know, एक स्पिरिट है जिसके अंदर स्पार्क है जिसके अंदर टैलेंट है वो कहता है यार मैंने सिर्फ ये तो मेरा स्टेपिंग स्टोन है जहाँ ये पहली मेरी जॉब है तो वो उसको लेना चाहते क्यों क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना है आप एहसान नहीं कर रहे इसी कंपनी में जॉब करके कंपनी एहसान कर रही है, है शुरू में उसकी वजह यह है कि उन्होंने आपको ट्रेन करना है देखो ना स्पेंड नो मनी ऑन यू तो बंदा कहता है यार इसके ऊपर मैं पैसे स्पेंड करता हूँ ये तो आगे बढ़ने वाला बंदा ही नहीं है आप लगते हैं यार टायर्ड हैं लिथार्जिक हैं लेजी हैं वो कहता हैं नहीं यार है, नहीं यार बंदा नहीं इस वजह से अभी टेक्निकल स्किल का तो पता ही नहीं चला अभी तो स्किल सेट की बात ही नहीं हुई लेकिन आप लगते ऐसे हैं ऐसे मी शो यू नो बड़ी आप ऐसे लगते हैं आप बड़े गरीब लगते हैं पोअर लगते हैं पोअर नहीं है आप पोअर लगते हैं पोअरली ड्रेसड हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है आप कामयाब नहीं लगते आपकी शादी हो सकती है किसी अच्छी जगह पर भाई लड़की अगर पसंद भी कर ले पहले तो मैं उसे कहूँगा कि लड़कियों को कहूँगा जरा होश के नाखुन लो इसको देखो ज़रा लेकिन जो ही वो अपने पेरेंट्स से साथ बात करेगी पेरेंट्स देखें वो क्या लूदर लेके आ गई हो तो उसके लिए भी ज़रूरी हाउ मेनी ऑफ यू आर मैरिड सिर्फ एक है मुझे पता था तो एक भी ना हो तो बाकी सारे जो हैं आपने आपके वहाँ भी यू हैव टू लुक गुड और वहाँ भी भक्त वाली चीज के बंदे को क्या देखते हैं तो वो पूछेंगे करते क्या तनखा कितनी है लेकिन सबसे पहले क्या है वो देखेंगे आपकी पर्सनैलिटी कैसी है हमारी बेटी तो बड़ी खूबसूरत है हमारी बेटी तो बहुत ही टैलेंटेड है वो क्योंकि यार जोड़ ही नहीं बनता इसका तो आई डोंट थिंक यू कैन बी वेरी सक्सेसफुल इन दैट अरीना इस वॉल तो जिस एरिया में आप देख रहे हैं अथॉरिटी अगर आपके अंदर अथॉरिटी नहीं लगती तो फिर क्या लगता है आप ऐसे रहते यो यो से हैं इधर धक्का दे दो इधर दे दो यो है जैसे उसको घुमा दो वैसे घूम जाएगा बंदा कि तो सर उसकी कोई वैल्यू है एक बंदा वीक पर्सनैलिटी रखी है उसने देखिए अल्लाह ने हर बंदा पैदा किया है और हर बंदे में मैंने पचास हज़ार बंदों को ड्रेसअप किया मे वी मोर देन दैट मैंने आज तक अगली बंदा नहीं देखा एक भी नॉट ए सिंगल अगली पर्सन ऑफ सीन क्योंकि मेरी सोच ही है मैं तो स्ट्रेंथ देख रहा हूँ बंदे के अंदर मैं तो वीकनेस देख नहीं रहा आई डों नॉट पीपल ऑफ़ आई बिल पीपल ऑफ़ तो मैं देखा अच्छा यार स्माइल बड़ी ज़बरदस्त है इस बंदे की यार आंखें देखो उसका आई कॉन्टेंट बड़ा ज़बरदस्त है उसके बाल बड़े ज़बरदस्त हैं उसकी बॉडी देखो यार कमाल की बॉडी है उसका चाहे छॉट है जिटॉल है लेकिन फिट रखा होने आप यू नो आई लुक एट दैट सो आई बिल्ड फ्रॉम दैट लेकिन दुनिया ऐसे नहीं देखती दुनिया से नहीं देखती, है। से नहीं देखती है। तो उसमें यह है कि अगर आपके अंदर अथॉरिटी नहीं लगती तो क्या लगता है इसका लगता है आप वीक लगते हैं इसका मतलब आप एक्शन नहीं ले सकते इसका मतलब आप डिसीज़न नहीं ले सकते तो वीक आदमी को कौन उसके साथ कौन उसे हायर करेगा कौन उसके साथ बिजनेस करेगा कौन उसके साथ डीलिंग करेगा कौन उसके साथ शादी करेगा क्योंकि यार ऐसे वीक सा बंदा है मुझे मुझे तो स्ट्रांग बंदा चाहिए मुझे आई आई नीड स्ट्रांग मैन इन माई लाइफ रंशिशाह को समझ में आ रही है बात जहाँ हम कोई मंजर नहीं बेच रहे चूरन नहीं है ये ये रियलिटी है कि ऐसे ही लोग डिसीजन करते हैं माशाला यू आर वेरी टैलेंटेड यू आर वेरी ब्राइट यू वर लॉन्ग वे टू गॉप इंशाल्लाह यू विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल बाकी सारी चीज़ें आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं मैं तो एक चीज़ ऐड कर रहा हूं छात्रों ने कहा कि इनको जाके समझाएं वो बड़ी उन्होंने मुझे कहते हैं ना कि उसके साथ एक जज्बे के साथ भेजा है कि मैं आके आके और मैं लग रहा हूँ कि जज्बे से बात कर रहा हूँ ऐसे प्रेजेंटेशन क्या है मैं ऐसे स्लाइड दिखा के चला जाऊँ मैं कहा हाँ ठीक है फिनिश माई जॉब सो आई एम गिविंग यू वन हंड्रेड परसेंट ऑफ मी तो आपने एक एक बात जो है गौर से सुनी है तो जिस बंदे में अथॉरिटी नहीं है अब अथॉरिटी कैसी है ये आप कह सकते हैं जा किसी मीटिंग में आई हैव अथॉरिटी कह सकते हैं आप को सुनेगा सवाल ही नहीं तो क्या आप यहां साइन बोर्ड लगा सकते हैं आई हैव अथॉरिटी जहां जा रहे अथॉरिटी आई हैव अथॉरिटी आई हैव हैव अथॉरिटी आई अथॉरिटी पागल लगेंगे तो फिर कैसे बताएंगे अथॉरिटी आपका द वे यू ड्रेस द वे यू लुक उसमें नहीं लगती अगेन गेम माई फ्रेंड द गेम इज ओवर कितनी बार गेम को ओवर करना है हमने क्यों सर एक रीज़न नहीं दे रहा हूँ कि मैं छोटी सी रीज़न ओ oh, यार अच्छा लगे लगो यार वहाँ जाना है आपको अच्छा लगना चाहिए यार कुछ ख्याल करो यार माँ बाप के पैसों का ख्याल करो ये करो वो करो इतनी मेहनत कर रहे हो ये कर रहे हो वो कर यार कुछ अच्छा लगो आई एम नॉट बैगिंग यू आई एम नॉट बैगिंग यू आई एम टीचिंग यू कि आपको अगर नहीं लगेंगे तो उसी तरह जिस तरीके से वो बस वाला ऐसे आपको धक्का देगा जिस तरीके से वो रेस्टोरेंट वाला कहेगा उधर बैठ जाओ किसी ऑफिस में जाएंगे तो क्या होगा कोई काम है वेट तो करो यार आप जाते हैं कॉन्फ्रेंस जाते हैं आप ड्रेसअप में आई कैन अश्योर यू कि जो ही आप उस मीटिंग में जाएंगे जहाँ किसी को मिलने जाएंगे वो कहेंगे अच्छा यार को लगता है कॉफिस टाइप का बंदा आ गया उन्हीं का आप कह सर अब आप बताइए सर आपका क्या काम आप किसी डॉक्टर के क्लिनिक में जा देख लीजिए अगर आप लगते हैं ऐसे यू आर यू हैव नथिंग यू आर नो बॉडी देखिए आपको कैसे ट्रीट करते हैं कहते हो बैठते हो अभी बारी बारी आएगी तो बात करेंगे अथॉरिटी तो अथॉरिटी कैसे आती है जैसे मैंने कहा कि आपके मुंह से कहने से नहीं आएगी तो अथॉरिटी है कि यू शुड लुक यू हैव अथॉरिटी राइट कलर्स पहने है राइट right कॉम्बिनेशन पहने हैं राइट right कपड़े पहने दैट दट ड मीन आपने थ्री पीस सूट पहना था अथॉरिटी उसमें आप शुरुआत भी नहीं सर अथॉरिटी लग सकती है आपी. अच्छा मैं डी डी डाली शलवार कमीज़ पहन के आगे भाई दो शलवार कमीज पर बात लेते हैं शलवार कमीज को हमने क्या हमारा क्या है अवामी हमारा कौमी लिबास है हमने से क्या बनाया है हमने से स्लीपिंग सूट बनाया स्लीपिंग सूट हम क्या कहते हैं इसी में सोऊंगा इसी में उठूंगा सुबह दो छटे मुंह पे मारूंगा वो भी क्या जरूरत है शेरों के मुंह तो धुले रहते हैं फिर उसके बाद जाके मीटिंग में बैठ जाऊंगा तो लोग कहेंगे सर आप मैं कहूँगा मैं मैं तो सादा सा बंदा बन दूँ दै सा तो जितने शलवार कमीज वाले मेरे भाई भाइया बैठे हुए हैं ये बात गौर से सुन लीजिए दिस इज नॉट ए स्लीपिंग सूट इसको भी आपने वो रिस्पेक्ट देनी है जो सूट को देते हैं इसका मतलब है जब आपने सिलवाना है उसको इसी तरह अपनी बॉडी देखिए अच्छी तरीके से स्टिचिंग हुई हो क्वालिटी स्टिचिंग हुई हो कलर राइट हो उसके बाद जो है उसका कॉम्बिनेशन सही है और फिर उसके बाद आप दस बंदों को बिठा दे शलवार कमीज वालों को मैं आपको साबित करके देता हूँ एक बंदा जो है वो क्या करता है रिक्शा चलाता है उसने क्या पहना हुआ है शलवार कमीज एक बंदा बस ड्राइवर है उसने क्या पहना हुआ है शलवार कमीज एक बंदा जो है वो क्लर्क है क्लर्क बादशाह तो किंग है वो बैठा हुआ है उसने क्या पहना हुआ है शलवार कमीज एक सीईओ ई ओफ कंपनी बैठे हुए हैं माशाल्लाह क्या पहना हुआ है शुरुआत में एक बहुत बड़े दानश्वर बैठे हुए उन्होंने क्या पहना हुआ है शलवार कमीज़ दस बंदे बैठे हैं आप बता सकते हैं कौन कौन है कोई बंदा बता सकते कौन कौन है कैसे नहीं नहीं सलवार कमीज पहनी है सबने नहीं नहीं सलवार कमीज ऐसे अवामी सूट की तरह पहनी है ना इसी में सोऊंगा इसी में उठूंगा तो दो छटे मुंह पे मारूंगा इस तरह पहनी हुई है ना इस नॉर्मली पहनते हैं शुरुआत में सर नहीं बता सकते आप नहीं बता सकते अब आ, उन दस बंदों में एक बंदा बैठा है शुरुआत में उसके साथ वेस्ट कोट पहनी हुई है प्रोमिनेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा अच्छा एक बंदा उसने शुरुआत में पहनी है साथ उसने कोट पहना हुआ है ब्लेजर जिसे कहते हैं प्रोमिनेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तो भाई इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है अब आप कहेंगे गर्मी है ये है वो है उसकी बात भी करेंगे फिर तो अगर बाहर बारिश हो रही है तो आप सारे फिर सोख टॉप हो के आएँ मीटिंग में जाए इंटरव्यू आपका सर बारिश हो रही है बाहर बाहर धूप है तो आप पसीने पसीने में शराबूर आए कहे जी मुझे जॉब दें वो कहे इतना पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें मुझे तो पसीना आ रहा है गर्मी की वजह से आते तो आप ऐसे शराबूर रह दो तो मुझे जॉब दें पसीने का वैसे कहता लगे बाहर गर्मी आपको पता नहीं है माई माई फ्रेंड दैट्स नाउ हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट्स आपने हर वक्त हंड्रेड परसेंट आपने परफेक्ट होकर जाना है वर्ल्ड वॉन्ट्स यू टू बी परफेक्ट वो सिर्फ ये नहीं कि आईटी में या जो भी आपका फील्ड वो चाह रही है कि ये बंदा जो है इसकी पर्सनैलिटी द वे ही लुक्स इन एवरी थिंग ही परफेक्ट। तो अथॉरिटी अगर नहीं लगती तो द गेम इज द गेन ओवर फाइनेंशियल स्टेटस ये लास्ट बात है अगर आप गरीब लगते हैं ये बात याद रखिए आपके जेब में चाहे एक टैडी पैसा भी नहीं है लेकिन गरीब ना कभी लगे वजह क्या है गरीब को थर क्या कहते हैं मैंने पहले भी बताया गरीब को कैसे करती है दुनिया कैसे ट्रीट करती है डिसमिस करती है कहती जा बाबा कोई कहा दफा हो जा कोई यार चांद छोड़ मेरी क्या आप चाहेंगे कि आप कैसे ट्रीट किया जाए इसका मतलब है जेब खाली है बिल्कुल खाली है एक टैडी पैसा नहीं है अगर आपके पास साल में अगर एक, एक भी अच्छा ड्रेस बना सकते हैं आप सेव करें बैक करें बारो करें जहां से मर्जी पैसे लेके आए क्योंकि उससे आपकी जो है अगर ऐसे लोग आपको ट्रीट करेंगे तो आपकी जो है सेल्फ स्टीम जो है मजरू होगी आपका कॉन्फिडेंस मजरू होगा या कम अज़ कम आप किसी ऐसी जगह पर मत जाइए जहाँ पर लोगों ने आपको देखना है तो लोगों से तो देखना है जहाँ भी जाएंगे कहाँ हैं लोगों के बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते कई लोग कहते हैं मेरे पास बजट नहीं है पैसे नहीं है मेरा ख्याल है काम शोर के आपका भी सारा मसला जी होगा जी पैसे नहीं है मैं बताता हूँ आपको मैं साबित करके देता हूँ आपके पास पैसे नहीं है तो थे उसका प्रूफ यह है कि आप कभी अपनी क्लादर में देखिए कपड़े कितने रखे हुए हैं आपने कितने कपड़े हैं बेशुमार कपड़े हैं मोस्टली क्लाजर लदी होती है लेकिन पहनते उसमें से कितने परसेंट हैं क्यों सर कितने परसेंट पहनते हैं अपने कपड़ों में से चलो आप हॉस्टल में रहते हैं तो फोर्टी फिफ्टी हो गया मान लेता हूँ वैसे अमूमन लोग जो है उसका जवाब यह है पच्चीस तीस परसेंट से ज्यादा लोग कपड़े नहीं पहनते अच्छा भाई 25 तीस परसेंट कपड़े पहनते हैं बाकी 65 फाइव परसेंट सेवेंटी परसेंट कपड़ों को क्या हुआ वाइन चूबे वेयरिंग हैं ये तो नहीं कि नहीं है हुआ ये है कि आपने गलत बाइंग की हुई है वो आपको अच्छे नहीं लगते किसी का कलर अच्छा नहीं लगता वो कहते हैं ये फेंट हो गया ये ये, ये कॉलर इसका बैठ गया इसका ये हो गया ये तो यार ये पहन के मैं वहाँ जा नहीं सकता ये तो फ्रांक इस तरह की मीटिंग है मैं वहाँ नहीं जा सकता आप इसको रिजेक्ट करते हैं अब मेरा क्वेश्चन ये वो आए कैसे आपकी क्लॉथट में फिर कैसे आए इतने तो कोई आपको गिफ्ट नहीं दे सकता इस तो एक इसका मतलब आपने खरीदे हैं इसका मतलब बाइंग मिस्टेक्स की हैं इसका मतलब पैसे थे आपके पास बजट था आपने उसे ब्लोअप कर दिया बजट को डाउन द ट्रेन कर दिया अब मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा भाई सारे छोड़ दो एक अच्छा ड्रेस कर लो दो अच्छे कॉम्बिनेशन कर लो तो आपके पास पैसे हैं जो मैं आपको बताऊंगा क्या कलर करनी है कैसे कॉम्बिनेशन सो आई एम नाक एन लिसन टू यू कि जी पैसे नहीं मेरे पास एक स्टूडेंट आता है नाम नहीं यूनिवर्सिटी का क्योंकि वो यूनिवर्सिटी माइंड कर जाएगी तो मैं इसको देख रहा था तो बेल्ट देखी मैंने बेल्ट के सुराख इतने बड़े हुए हैं ये सारी चेपियाँ नजर आ रही हैं वो जो टैगजियन है वो सारा उतरा हुआ है मैंने कहा भाई थोड़ा फ्री हो गया ना मेरे साथ बातचीत में मैंने कहा ये बेल्ट बेल्ट की हालत तो देखो तो ये क्यों नहीं, तो नहीं बेल्ट क्यों नहीं चेंज की वो क्या कहता है सर पैसे नहीं है बजट नहीं है अच्छा उन दिनों ये कोविड से पहले की बात है मैंने कहा मुझे बताओ स्नूकर खेलते हो हाँ जी स्नूकर तो उसके बगैर तो सर लाइफ नहीं चलती कितने फ्रेम खेलते हो एक वीक में कहता तो सर काफ़ी खेल लेता हूँ तो मैंने कहा ऐड करो उधर स्नूकर के फ्रेम कितने पैसे हैं कढ़ाइया खाते हो बर्गर खाते हो पिज्जे खाते हो हाँ सर वो डिलीवरी करवा लेता हूँ कभी कभी हम स्पेंड ऑन दिस तुम कहते एक हज़ार रुपए की बेल्ट के पैसे नहीं हैं तुम्हारे पास तुम्हारे पास पैसे थे तुमने गलत जगह पे इस्तेमाल किया आप जितनी मर्जी मेरे से बहस कर लें मैं आपको साबित करके दे दूंगा तो आप कहेंगे जी मेरे पास तो मेरे पास तो मेरे मैं कुछ भी नहीं खरीद सकता तो मैं कहूँ लाएँ कपड़े दिखाएं मुझे ये शर्ट ये किसने कहा था ये कलर लेने की इसकी फिटिंग देखें ये आपने इतनी चीप शर्ट क्यों ली है ये आपने पाँच पाँच सौ रुपये की दस शर्टें क्यों खरीदी हैं आपने दो शर्ट क्यों नहीं खरीदी पच्चीस पच्चीस वाली या एक शर्ट क्यों नहीं खरीदी जो कि डिसेंट हो जिसमें आप जाके प्रेजेंटेशन कर सकें तो इसका फार्मूला सुन लीजिए अभी बता देता हूँ बाय लेस बाय लेस नॉट मोर बाय राइट राइट चीज़ खरीदनी है एंड बाय क्वालिटी अगर ये आप याद रखेंगे आप अपना सारा उस समय बताऊँगा कौन कौन सी चीज़ें आपको रखनी चाहिए कौन कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए एंड सो फाइनेंशियल स्टेटस मैंने बता दिया है कि फाइनेंशियल स्टेटस कुछ भी हो कई दा बड़ा अमीर होता है गरीब हो जाता है ये भी होता है लाइफ में कहते हैं जक़ात देने वाला जक़ात लेने वाला बन जाता है अल्लाह के ऐसा कोई ट्रेजडी हो जाती है आप क्या मैं कभी एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा सर पैसे नहीं हैं आपने क्या करना है बाय लेस बाय राइट पाइप क्वालिटी अब कहेंगे ना कोई दोस्त के हो क्रीम मार्केट में चलते हैं क्रीम ब्लॉक में चलते हैं वहाँ सेल पे लगी है तीन तीन सौ रुपये की शर्ट लगी हाँ यार तूने कितनी खरीदी है मैंने कहा यार मैं पाँच मैं यार तो दस खरीदूंगा एक ही बार में वो यार कॉलर बहुत बड़ा हो यार कॉलर को मैंने कौन सी टाइल लगानी है अब इमेजिन कर सर नेक यहाँ पर आपकी कॉलर यहाँ लटका हुआ है ऐसी प्रेजेंटेशन कैसी है सर ट्रे है ना बात कहाँ होती है ये बात होती है बात यहाँ नहीं होती जितनी देर मैं आपको देखता रहूँगा मैं आपका कॉलर देखता रहूँगा आप ये ना समझिए कि लोग अंधे हैं नीदर यू आर इनविजिबल नॉट पीपल आर ब्लाइंड याद रखिए तो जाओ आपकी तरफ देख रहे हैं मुझे एक फनी सा वाक्य याद आ गया न्यूयॉर्क <laughs> में एक दिन ऐसे किसी टॉपिक पे बात और एक बंदा बैठा था मैं बड़ा जज्बाती रहा चालीस पैंतालीस मिनट बोलता रहा आप ऐसे सुनते मैं यार कमाल कॉन्सेंट्रेशन है कमाल फोकस है बिल्कुल ऐसे आई कॉन्टर्ट्स को ऐसे जज्बे के साथ पूरा जो फुली इन ट्यूनों के सुन रहा है पैंतालीस मिनट में पता नहीं कुटाब मुझे भूल गया तो आई वॉज लाइक टोटली मैं बड़ा मुझे इमोशनली बड़ा वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट टॉपिक जो था तो उसके बाद मुझे कहता है आपने हमेशा बात ख़त्म कर ली पैंतालीस मिनट मैं कहा हाँ यार मैं शुक्र है बोला है। यार एक क्वेश्चन है अब देखो क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे कहता है हमेशा एक बात पूछे माइंड ना करना आपकी एक मुझ दूसरी मुझ से छोटी नहीं है <laughs> मैं टेम हूँ, <laughs> लेकिन एक सबक था उसमें ही इज जस्ट लुक एंड एटमीज लुक एन सो अगर कहता जी कोई बात नहीं है मैंने तो बड़ा कॉलर पहना है या बहुत टाइट कॉलर पहना है या बहुत टाइट शर्ट पहनी है यकीन करे वो बंदा देख रहा है आपको और फौरी तौर से दिन में क्या आएगा यार इस बंदे को इतनी सेंस नहीं है हमने तो कहा उसने कहा वो, वो, वो क्रीम मार्केट वाले ने कहा लॉजी लॉजते तेल लगी है एट्टी परसेंट ऑफ है आप कहते ले जाओ यार नहीं आज के बाद आप नहीं नहीं नहीं। आपने करना आपने मेक श्योर करना है कि जो चीज़ आप पहनेंगे आपको फिट होनी चाहिए अभी मैं आपसे शेयर करूंगा जो मार्क रोमन जेकवसन है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक्सपर्ट जिसे कहते हैं हार्वर्ड का और एम का आप कहेंगे ना अच्छा हम साहब ये तो आपकी सारी बातें हैं कोई स्टडी दिखाएं कोई रिसर्च दिखाएं तो वो बंदा एम आई टी का हार्वर्ड का वो अभी बताएगा आपको कि जब आपने जो कपड़े पहने जो फिट नहीं होते तो आप कैसे लगते हैं स्टेटस एंड स्टैचर ये जब आप पोजिशन में आ जाए तो आपको स्टेटस स्टैचर लगना चाहिए हर रोज ही आपने क्वेश्चन पूछने आपने सुबह अब आपने फाउंडेशन में आना है आपने बेस्ट लुक में आना है आपके कल से अगर चेंज नहीं आई तो शायद सबने कहा हमें साहब आप देख रहे हैं मेरा नाम मेरी रेपुटेशन और मुझे हंड्रेड परसेंट पता है और सर ये जेबों में चीज़ें मत रखें भी, भी सुन लीजिए अब जेब में आपने पेन रखा हुआ है आपने वो आपका आप सेल फोन भी है मैं आपको अब एक दो चीज़ें समझाता हूँ अभी आप बेशक निकाल ना निकालें सबसे बड़ा इसका नुकसान पता है क्या है ये जब आप चीज़ें निकालेंगे धोएंगे ये शर्ट आपकी सेक कर जाएगी वेट बे, है ना ये फाइबर है ना ये आ जाएगी दूसरी बात है आपने यहाँ पेन लगाया हुआ है मैं क्यों मैं मुझे नहीं पता दो रुपये वाला पेन है या हज़ार रुपये वाला पेन है मेरा बिज़नेस है कि मैं देखूं कि आपके पास कितने का पेन है तो आप एक्सपोज़ क्यों कर रहे हैं अपने आप को इस तरह फ़ोन की बात है आप क्यों एक्सपोज़ कर रहे हैं कि आप किस कौन सा फ़ोन है भाई ये चीज़ें तो आपको बतानी ही नहीं चाहिए पेन रखना है कहीं अंदर पेन रखें जरूरत है तो इस तरह की चीज़ें ये पॉकेट्स वगैरह में चीज़ें रखनी प्लीज़ जैसे पॉकेट है कई लोग पैसे रख लेते हैं सौ रुपये का नोट है पतली सी शर्ट है सौ रुपये नोट वगैरह मैं कहता हूँ ये पाँच हज़ार रखे क्यों नहीं इसके पास इतना गरीब क्यों है इसके पास सौ रुपये का नोट है तो आप अपने को एक्सपोज मत करें इमेज डू आई प्रोजेक्ट सुबह खड़े हो आए तैयार हो आपका बेस्ट जो आपको आपका दोस्त ही बताएगा आप कैसे लगते हैं ना उसे पूछना है वो तो कहेगा ओ बड़े बड़े तो कमाल ही लग रहे हो क्योंकि उसने भी आपसे पूछना है अगर आपके हो तू तो बड़ा फजूल लग रहा है <laughs> आपके अंग्रेजी ऐसी वारी है कि मैं भी उन्होंने पूरे नुकार तक पहुँचावा ठीक है तो आपने दोस्त से नहीं पूछना ना अपने फैमिली से पूछना किसी एक चीज से पूछना है जो कभी भी झूठ नहीं बोलेगी वो बोला क्या है मिरर। आपने मिरर कहा हैंड क्या नाम है तो आपने क्या करना है आपने मिरर में देखना है मिरर कहते हैं ना मिरर नेवर लाइज क्यों जी मैम माई राइट मिरर में आप जाके ये नहीं कहते हो लुक दिस एंड यू लुक लाइक दिस कभी भी ऐसे नहीं होगा। मिरर नेवर लाइज तो so, मेरे में खड़े हो सर क्वेश्चन वॉट इमेज डू आई प्रोजेक्ट क्या कामयाब लगता हूं क्या कॉन्फिडेंट लगता हूं क्या सक्सेसफुल लगता हूं पूछें ये अभी को यही सारी एक्सरसाइज हुई है ना हमारी क्या मैं लगता हूं कि मेरे अंदर अथॉरिटी है यार ये तुम पहन कैसे लग रहा हूं जैसे अभी को मुझे दो चपेड़े मार देगा वट इमेज डू आई प्रोजेक्ट तो आप ये सोचिए सुबह मॉर्निंग में एंड वट इज द इमेज आई वॉन्ट टू प्रोजेक्ट मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन में जा रहा हूँ यार तो तो मुलाकात हो जाए शायद आप पहली बार सोचेंगे यार रिस्पेक्ट नहीं दी बच्चे ने तो ये नहीं कि हर वक्त आपने रिस्पेक्ट शो करनी डू आई प्रोजेक्ट वाट एम आई साइलेंटली कम्युनिकेटिंग यानी साइलेंटली विदाउट सेंग एथिंग वाट एम आई सेंग सर ये आपने ये जो शर्ट पहनी हुई है इसके ऊपर बहुत डिजाइन हुआ हुआ है आप ये शर्ट आपकी क्या कह रही है कभी आपने सोचा तो ये है कि कोई यार कोई ब्रांड की शर्ट पहनी है पता नहीं क्या नाम है यहाँ तो मैं पढ़ूँगा अच्छा पता नहीं क्या लिखा हुआ है यार मैं कहूँगा यार बंदा कहाँ है आप कहाँ हैं आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन कहाँ है आपकी पर्सनैलिटी कहाँ पर है आपने माशा यहाँ आधी लिखा हुआ है सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ भी लिखा हुआ है वट आर यू प्रमोटिंग आर यू प्रमोटिंग द ब्रांड शुड यू बी प्रोमोटिंग द ब्रांड दस द्रांड नीज योर प्रमोशन दट आपने सर क्या पहनी है आपने ये सारा लगाया हुआ है वट इज इट सही सोचे जो भी चीज पहनी है, आपने इतना बड़ा लमचर डिजाइन सीख के लिखा हुआ उसके ऊपर वट इज इट मीन क्या कहता है ये किसी मीटिंग में जाएंगे आप ये लिखा हुआ वो क्या अगला बंदा सोचा अच्छा यार वट इज दिस आपने फीला की शर्ट पहनी है तो क्या मैं फिर मैं उल्टा लड़क जाऊं आपने फीला की शर्ट पहनी है या आपने घोड़ा बड़ा लगाया तो मैं घो गो, घोड़े वाला बंदा आ गया नॉन <laughs> सेंस आपने अपने आप को प्रमोट करना है आज के बाद आपने किसको प्रमोट करना है अपने आप को आप पर्सनल ब्रांड है अपने नेवर वेयर एनी बडीज ब्रांड हाथों पर आपने देखा शिलवात तो 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 टेलर जो हैं इधर लगा देते हैं नाम लिखा हुआ अपना इधर पट्टी सी लगा देते हैं बड़े बड़े अफसर पहने हुए हैं डेंडी लगा हुआ है कहीं आउटरे लगा हुआ है मैं, था, मैं सर ये क्या है वट इज़ दिस होशियार हु ने लगा दिया मैं सर पहना तो आपने <coughs> आपने बिल्कुल क्लीन लुक एलिगेंट सोफिस्टिकेटेड लुक आपने कदम ये सारी चीजें मैं बता रहा सारी ज़िंदगी आपके काम आएंगी। इसके बाद आई कैन गारंटी कभी ऐसी शर्ट नहीं खरीदेंगे जिस तरीके से मैंने आपको down, लेकिन मैं एक है। क्योंकि आपकी शर्ट का मैसेज सबको चला गया कि यार ऐसी शर्ट नहीं मैंने लेनी चुन लें आप नॉन डिस्प लें कुछ ना लिखो और आप शाइन करें शर्ट शाइन ना करें कपड़े शाइन ना करें याद रखें बिकॉज यू इन द फोर्थ फ्रंट तो वट वट एम आई साइलेंटली कमेंट की इसी की बात हुई थी मैं तो इसलिए मेरा ध्यान गया कि क्यों यहाँ पे हो तो आपने किसी आइए के शर्वाक भी अब जरा इधर ही इधर एक के बाहर ये इसी बात कर रहा था आ जाए हाँ पकड़ लिया मैंने देखिए ये जी कौन है जी एजे क्रिएशन टू यू केयर बाउट एज क्रिएशन इज योर ब्रदर कहते तेरा में तेरा मामा लगता <laughs> तो फिर क्यों पा उन क्यों ऊपर से उसने देखे इसका लगाया भी कैसे है ये सारा उसका निकल रहा है उसने उसने सब सर्वस दिया है डिस सर्वस है अच्छा ये आपकी एजुकेशन

क्या मुझे अच्छा करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आप आइए वेरी गुड क्योंकि बिग हैंड क्या नाम है आपका हाथ हाथ ले कितने ब्रे बंदे हैं सबसे पहले हमने बैठे हुए हैं और सब आ गए हैं अच्छा जी तो आप खड़े सीधे खड़े बिल्कुल जैसे खड़े सबसे पहले तो ऑडियंस से पूछते हैं ठीक है जी अच्छा जी इन्होंने प्रिंट शर्ट पहनी है इसे कहते हैं टेक्निकल टर्म में क्या है प्रिंटेड शर्ट है इसके ऊपर प्रिंट बना हुआ है और इसका कलर जो है पिंक है और इसके बाद इन्होंने कैजुअल पेंट पहनी हुई है कॉटन की और साथ में इन्होंने सैंडल या चप्पल सी पहनी हुई है ठीक है अच्छा अब ये बताइए सबसे पहले बात है कि जो प्रिंट शर्ट है उसका मैसेज क्या होता है आप खड़े रहिए पार्टी, पार्टी कैजुअल बहुत कैजुअल तो जब आप बहुत कैजुअल अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो अगला बंदा आपको कैसे लेगा सीरियस लेगा या कैजुअल लेगा कैजुअल लेगा तो क्या आपको इनको ये कैजुअल लुक देनी चाहिए क्या इनके हक में जा रही है लोग अगर इन्होंने वाइट शर्ट पहनी होती या ब्लू शर्ट पहनी होती तो उसका इमेज और होता तो इनके लिए सबसे बड़ा मैसेज है इनके पास कोई वाड्रो बॉटल नंबर छोड़ा भी नहीं होगा तो इन्होंने जो प्रिंट शर्ट है तो प्रिंट शर्ट जो है वो स्टार्ट कि मिन जो है प्रोफेशनल लुक तो हमने प्रिंट शर्ट से बिल्कुल दूर भागना है प्रिंट शर्ट नहीं पहनी अच्छा दूसरी बात है अब पैंट तो चले उसके बाद में बात करते हैं फिटिंग कैसी लग रही है आपको लूज लग रही है ठीक है ना तो फिटिंग जो है इनकी और बेहतर हो सकती है डेफिनेटली बेहतर हो सकती है तो अगर ये इनकी बॉडी बहुत स्लिम है ये जब भी रेडीमेड लेंगे इनकी बॉडी में कभी फिट ही नहीं आएगी हंड्रेड परसेंट श्योर इनको इनका जो बेहतरीन इलाज है इन्हें सिलवानी चाहिए शर्ट आप दस शर्टें ना ख़रीदें एक शर्ट सिलवा लें वो बेहतर है ठीक है अच्छा उसके बाद पेंट जो है इन्होंने पहनी हुई है कॉटन की पेंट पहनी हुई है इस पर काफ़ी डब्बे वब्बे लगे हुए हैं निशान लगे हुए हैं आपका ख्याल है कि इसे प्रोफेशनल लुक दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम आपने जो है मेक श्योर sure करना है कि इसके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं लगा होना चाहिए वो होना चाहिए बेल्ट जैसे देखें अच्छा अब देखें इन्होंने ब्राउन शूज़ पहने बेल्ट जो है वो कुछ मुझे ब्लैक लग रही है हाँ ब्लैक है तो ये भी मैच नहीं कर रहा ठीक है तो इनको चेंज हम कैसे करेंगे दस्ते अगर यही ये वाइट शर्ट पहने नाइस फिटेड शर्ट पहनी है उन्होंने तो लैसे इन्होंने हाथ में ब्लैक पैंट पहनी हो चारकोल की पैंट पहनी हो नाइस बेल्ट पहनी हो नाइस शूज पहने हो चले लेसअप शूज नहीं लेकिन लोफर टाइप के नाइस शूज पहने हो आपके हाल की इनकी पर्सनैलिटी हंड्रेड परसेंट बेटर नहीं हो जाएगी yeah. बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच बैठ जाइए हु इज़ नेक्स्ट हाँ जी हाँ जी हाँ जी असलम सबसे पहली बात है कलर आई लव दिस कलर आई लव दिस नेवी कलर इज़ माई फ्रेंड नेवी नेवी क्या कि नेवी कहता है आई हैव अथॉरटी एंड आई ऑल्सो लुक अप्रोच ये बात है क्योंकि आपने सिर्फ अथॉरिटी नहीं लगनी है आपने अप्रोचेवर नहीं लगा ताकि बाद गए तो इनका कलर के ऊपर ये सौ में से सौ नंबर है ठीक है सर ओके okay, ज़बरदस्त हो गया अच्छा अब आ जाते हैं बटन बटन डाउन कॉलर है बटन डाउन कॉलर क्या कहता है इन्होंने ये इसको कहते हैं बटन डाउन ये बटन डाउन लगा हुआ है बटन डाउन कॉलर कहता है कि स्पोटी लुक है कैजूअल लुक है तो कैजुल है ठीक है लुक्स वेरी नाइस अच्छा फिटिंग भी माशाला बहुत अच्छी है ये देखें इनकी हाथ ये देखें किस तरह टेपर है इनकी स्लीव यहाँ ऐसे नहीं ऐसे नहीं हो रही ठीक है लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ है इनके बटन लगा लेकिन बटन नहीं लगाया इन्होंने हाँ ये लगाया इसलिए मैं बताता हूँ इसके लगाया क्यों तरह तो ऐसे करें आज जब ये बात करेंगे ना तो मुझे बड़े सारे बाल नजर आएंगे आई हैव दिस बिजनेस के मैं इनके बाल गिनूँ या देखूँ ये देखूँ बाल हैं कि नहीं हैं अगर हैं तो कितने हैं पाई वे बड़े बड़े पॉलिटन मिस्टेक करते हैं अभी तो उनको समझ आ गई है नवाज़ शरीफ और इमरान खान अगर आपकी वो इलेक्शन वाली पिछड़ी पिक्चरें देखें ऐसे जब आत करते तो ऐसे सारा उनके बाल बालों के बाल बाल नज़र आते थे अब देखें इमरान खान को एक बाल भी नज़र आ जाए जो मर्जी कह लें बिकॉज हम यू टोल डिम कि आपने यहाँ बटन अगर आपका बटन नहीं लगा तो आपने लगवाना है बटन तो वेरी नाइस अच्छा सिर्फ एक चीज़ है मुझे ये जो जो ये जो कफ अच्छा पाई तो छाती के बाल नज़र आ रहे हैं कि क्या कहना क्या चाहते हैं आई एम माचो <laughs> माचो मैन ये समझते हैं लड़कियां पसंद करेंगे ऐसे लड़कियां <laughs> पसंद नहीं करती कहेंगे शोखा सा है तो आपने ये बटन जो है माशाल्लाह बंद करें बाई द वे यू एवनाइ चेस्ट आपको ये कहने की जरूरत नहीं है नाइस बॉडी ठीक है यहाँ अच्छा ठीक है अब देखें क्या ये पहले वैसे बेहतर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे मोर प्रोफेशनल लुक राइट बट वी टॉक अदर थिंग्स अच्छा शूज़ इन्होंने कैसे पहने हुए इन्होंने चप्पल पहनी है पिछावरी चप्पल शलवार की चार तो साथ पिछावरी चप्पल अच्छी लगती है कि नहीं लगती लगती अच्छी तो इन्होंने बड़ी अच्छी चप्पल पहनी है इसका ब्लैक भी पहन सकते थे ब्राउन भी बड़ी अच्छी लग रही है अच्छा सीधे खड़े हूँ ठीक है अच्छा वॉच अच्छा अब इन्होंने सबसे पहले मेरा ध्यान जाता है वॉच के ऊपर इसके ऊपर जब मैं इन्होंने मिलूंगा तो सबसे पहले वॉच अच्छा सबसे पहले मैं वॉच में क्या देखूंगा मैं कहूँगा अच्छा जी ये अनारकली की डेढ़ सौ रुपये की वॉच है वो रेपला का वॉच है तो मैं ये कहूँगा इसको मैं वॉच करूँ पच्चीस साल से मैं वॉच नहीं पहन रहा नो वॉच वॉच से किसी ने इंप्रेस नहीं होना अनलेस कि आपको रोलस की वॉच अगर रोलस की पहन के आ भी रियल तो वो कहेगा यार क्या मुझे फाइनेंशली डोमिनेट करना चाहते हो तुम थोड़े तो कि मैं गरीब हूँ तुम अमीर हो चलो चलो तो वॉच जो है ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको आप थोड़ा सा जिसका क्या सीन है ये तो मेरी अभी नज़र पड़ी है रिंग्स नो वे रिंग आपने मुझे नहीं पता कि रीज़न मैं से नहीं पूछ रहा नहीं कोई रीज़न नहीं कुछ खुद कुछ नहीं खुद उठा रहे <laughs> उतारे अभी उतारें चेब में डालें क्योंकि जब भी ये बात करेंगे ये ऐसे बात करेंगे वो ये रिंग पे ही मैं तो कभी भी ना रिंग पहनू तो इनकी जो रिपोर्ट एस्टेब्लिश होगी बंदे के साथ कि नहीं होगी बंदा तो कहेगा यार नहीं मेरे टाइप का बंदा नहीं है ये माशाल्लाह अच्छे खासियत तो इनको क्या जरूरत है अपनी पर्सनैलिटी जो है वो करने की एंड द रेस्ट आई थिंक यू लुक्स फिन नामिनल तो गेम अग हैं अगर मेरे पास कोई इनाम होता तो मैं जरूर दे देता लेकिन वो एक ही सेशन में ऐसे कर रहा था एक लड़का था बड़ा ही बड़ा ही अच्छा ड्रेसअप था बड़ा ही कमाल का ड्रेसअप था कलर वालर सारा कुछ है बार बार मेरी नजर जाए यही फाउंडेशन की बात है आखिर मैंने से रहा नहीं गया मैंने कहा यार बच्चा जराओ स्टेज पर ले आया मैं तो मैंने उनको बताया देखो यार ये भी तो आपका साथ ही है देखो किस तरह किस तरह ड्रेसिंग की है कलर देखो कॉमी देखो टाई देखो शूज़ देखो बताया मैं उसको सौ में से सौ नंबर दे दी अच्छा उसको तो तो मैं सोच रहा मैं कि यार मेरे पास काश को चीज़ होती मैं इसको गिफ्ट देता तो मैं तो गिफ्ट के लिए तैयार नहीं था मेरे कोई चीज़ नहीं थी तो जाने लगा मैंने कहा इधर आओ मैं गिफ्ट तो नहीं है लेट मी गिव यू हक तो जो ही मैंने आग किया तो ही स्मेल सो बैड ऑ माई गॉड मुझे ऐसे लगा नापता हूँ हाइजी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है हाइजीन के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे एनी बडी एल्स जो वॉल्टियर आ जाइए सर असलम आपका नाम एस एन अली एस एन अली साहब हैं जी पहले इनको वेलकम देते हैं करते हैं अच्छा ये एसन अली साहब ये जो इन्होंने ये कॉम्बिनेशन पहना हुआ है इन्होंने काफ़ी मेहनत से कॉम्बिनेशन बनाया ये कह रहे थे कि मैंने आज तैयार हो गए हूँ क्या ख्याल है कॉम्बिनेशन के बारे में हैं जी जो लाइक जैसे लाइक करते हैं फिर मुझे रीज़न भी बताएंगे क्यों लाइक करते हैं जो जो नहीं लाइक करते वो भी बताएं फिर हम उनसे बात करते हैं कॉम्बिनेशन वैसे इनको पहनना चाहिए नहीं शुरुआत कमीज़ में कॉम्बिनेशन वैसे और ही ज़्यादा कैजुअल हो जाता है ठीक है अच्छा कलर ज़्यादा शौक लग रहा है कि नहीं लग रहा ठीक है ना थोड़ा सा शोक कलर हो गया ठीक है तो इस कलर को अगर ये टोन डाउन कर लें से अगर ये चारकोल कलर पहने होता इन्होंने या नेवी जैसे भी माई फ्रेंड ही वॉज वेयरिंग नेवी या इन्होंने ब्लैक पहना होता या इन्होंने वाइट पहना होता या इन्होंने ग्रे का कुछ शेड पहना था वो ज़्यादा प्रोफेशनल लगना था कि नहीं अच्छा ये कलर मे भी उन्हें मेला पार्टी इथ ओके okay. का, कासम अली शाह फाउंडेशन इज ए वेरी वेरी सीरियस प्लेस टू तो लर्निंग ना मेला है ना पार्टी है तो सर इसको पहले आपने कलर को टोन डाउन करना है उसको पहले अवॉइड करना है उसके बाद जो है इसके साथ आपने शलवार पहनी हुई है कॉम्बिनेशन है आप आ जाएँ तीसरा इस, इस, इस लीनियर लुक में अच्छा इसमें एक और प्रॉब्लम ये होती है कि जो आपका कॉम्बिनेशन है ना ये फिर आपको आधा कर रहा होता है फिर आदमी सोचता है अच्छा यार मैं पहनूंगा मैं नहीं पहनूंगा मेरी टाइप का बंदा है या नहीं है ये इमीडिएटली बंदा सोचता है जो इसी से मिलता है तो आप क्यों अपने उसके जो है ना वो तो आई वुड गो कि आप सॉलिड कलर में आ जाइए चार पाँच कलर मैंने बताए हैं ब्लैक ले लें वाइट ले लें ले, डार्क ग्रे ले लें ग्रे का कोई शेड ले लें कोई नेवी ले लें आई थिंक दैट विल हेल्प यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग गिव मी बिग एनी बडी आर आए सर असलम लोगों को कैसा लग रहा है नहीं यार मैं तो सल्यूट करूँगा असलम लोगो पहना हुआ है आपने तो लोगो इज़ ए बिग नो नो ठीक हो गया एक तो ये हो गया मैं सोचूंगा अच्छा लोगो है कौन सी ब्रांड है क्या है मैं पहनूंगा नहीं पहनूंगा आएंगे ना मेरे माइंड में ख्याप क्योंकि वो उसने तो कहा था तेरी मूछ आधी छोटी है आधी बड़ी है तो आपका ख्याल है ये लोगो तो बहुत बड़ी सामने चीज नजर आ रही है सामने अच्छा फिर उन्होंने ये सारी ट्रिमिंग की हुई यहाँ पे ये सारी इसका क्या मतलब है क्या कहना चाह रहे हैं इंतहाई कैजुअल है बहुत ही कैजुअल है तो स्टेटमेंट तो दे रहे हैं ना कोई ना कोई ठीक है अच्छा कलर इनके ऊपर कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है वो का अच्छा लग रहा है जितने भी ब्राउन के कलर हैं जितने टैन के कलर हैं हमारे कलर ही नहीं हैं हमारे कलर सुन लीजिए लिख लीजिए हमारे पा वाइट अच्छा लगता है हमारे पा ब्लैक चेट ब्लैक अच्छा लगता है वाइट में ऑफ वाइट नहीं लेना कत्तन ऑफ वाइट नहीं लेना आइवरी वाइट नहीं लेना ऑफ वाइट नहीं लेना आपने डल वाइट नहीं लेना कुछ नहीं लेना ब्राइट वाइट मैं देख रहा हूँ यहाँ ब्राइट वाइट का मुझे एक भी बंदा नजर नहीं आ रहा इनका भी थोड़ा एक्रू कलर है आपको भी थोड़ा सा मुझे मैला सा लग रहा है आपको भी थोड़ा सा मैला ब्राइट वाइट ब्राइट वाइट ये हमारा बेस्ट कलर है पाकिस्तानी स्किन टोन का अच्छा वाइट बता दिया मैंने ये बाय द वे शलवार की ये कलर और शर्टिंग कलर भी ये है वाइट जेट ब्लैक यानी उसमें बिल्कुल किसी किसी की अमेजिशन हो अमेजना हो उसके बाद आपने लेना है जैसे चारकोल कलर बहुत अच्छा है उसके बाद ग्रे आपका बड़ा अच्छा है और ब्लू के शेड सारे बड़े अच्छे हैं स्काई ब्लू से लेके नेवी ब्लू तक सारे कलर बड़े अच्छे हैं तो ये आपने कलर पहने ये कलर जो है गोरों का कलर है गोरे हैं नहीं गोरे नहीं है आप गोरे नहीं हैं ठीक है ना कौरों के ऊपर क्या कलर अच्छे लगते हैं उनके ऊपर ब्राउन के सारे शेड टैन के सारे शेड उनके ऊपर मेहंदी कलर ये वो सारा उनके वो कलर्स हैं हमारे कलर्स नहीं हैं उनमें वो अच्छे लगते हैं हम इनमें अच्छे नहीं लगते तो एक कलर जो है ये नहीं कि पहन नहीं सकते पहन के जो मर्जी पहनें लेकिन इनका बेस्ट कलर नहीं है तो मैं कलर चेंज करूँगा ठीक है आई रियली लाइक इस शूज दे लुक वेरी नाइसली कम्फर्टेबल जीन की फिट बड़ी अच्छी है राइट नाइस फिट क्यों में बिग हैंड वेरी नाइस फिट तो बस शर्ट में मुझे थोड़ा सा इशू है सारी डिज़ाइन वजाइन जो है ना इसको अच्छा बटन है इसमें तो ये देखें ये वाले बड़े डेकोरेटिव बटन है डेकोरेटिव बटन ही लगाने क्यों आप जिसको मिलने जा रहे हो उससे उसको बटन ही ना पसंद हो फिर क्या करेंगे आप मेरे जैसे बंदे को मैं मैं कहूँ अच्छा अच्छा असल बस फिर को फार करो मेरे टाइप का बंदा नहीं है लोग अपनी टाइप के लोगों को हायर भी करते हैं तो बिजनेस भी करते हैं आपको सारा पता है इस बात का तो इस तरह के बटन जब कोई दर्दी वर्दी लगाए या कोई आप शर्ट खरीदने जा रहे हैं बिल्कुल आपने नहीं लेनी तो इसमें मैं ये कहूँगा कि ये अगर यही शर्ट जो है जैसे इनके साथ अगर यही बिल्कुल यही डिज़ाइन भी होता है इसमें ये नहीं करता ये बटन नहीं करता अगर इसी फिट में फिट माशा फिट इज़ ग्रेट राइट फिट बहुत अच्छी है बॉडी इज़ वेरी नाइस बिल्कुल माशा बड़ी फिट बॉडी है और वर्स uh, रेस्ट बिल्कुल ठीक है बाकी सारा ठीक है लसके में बिग हैं सीखा पाँच सात मिनट और हैं इसी पे हमने फिनिश कर दी है आज आइए सर आइए उसके बाद एक दो मैं अपनी मर्जी से चूज करूँगा एक दो पॉइंट्स हैं जी बताइए सर अच्छा नाइस फिट बाय द वे नाइस स्लिम देखें बहुत ज़्यादा ये नहीं कि यहाँ स्विम कर रहा है फैब्रिक ओह यहाँ तक गया है तो नाइस के हालांकि स्लिम बॉडी है लेकिन नाइस फिट है और बटन डाउन शर्ट है दैट्स वेरी गुड ग्रे कलर है आई लाइक इट अच्छा उसके बाद शूज़ और उसके साथ मैचिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है और पेंट जो है थोड़ी सी क्वेश्चनेबल है प्रिंट वाली पेंट पहननी चाहिए प्रिंट ये वो इस तरह डिज़ाइन विजाइन उसकी रीज़न क्या है आई यहाँ जाएगी कानवे से कहाँ हो रही है यहाँ तो मुझे यहाँ डिज़ाइन डिज़ाइन अगर अगर ये पहन के आएंगे तो सबसे पहले आई कहाँ जाएगी डिज़ाइन पर जाएगी ये वैसे आई का है कोई भी चीज़ आपको प्रोमिनेंट है आई वहाँ जाएगी तो मेरी इनसे ये होगी अपना एडवाइस ये होगी कि ये आप ना करें बेल्ट का शूज़ का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है नाइस बेल्ट है बेल्ट भी जिन्होंने कैजुअल बेल्ट लगाई हुई है कैजुअल शर्ट है आई थिंक इट लुक्स नॉमिनल क्यों मैं बिग हैंड सिर्फ सर पेंट का चेंज करूँगा और साथ में ये पीछे जो टैग लगा हुआ है पेंट का ये अच्छा बाई द वे इसको अगर आप थोड़ा सी स्टिच हुआ है बिल्कुल ऐसे ऐसे निकाल देंगे हाँ हाँ ये भी मैंने देखा इधर आ इधर जो खड़े हो जाएँ ये सारी जो दो ही की है सारे डिज़ाइन हैं ये अच्छे है. लग रहे हैं नहीं तो ये सर डिज़ाइन वजाइन बिल्कुल तो उसकी तो उसको आप ना लें बाकी माशा गट थैंक यू वेरी मच बिग हैंड ब सर आप आएं। हाँ जी आप आए मैं आपसे बात कर रही कुछ एक दो चीज़ें जो मैं आप मैंशन करना चाहता हूँ असल ख्याल है आपके क्या नाम है आपका तार ठीक <laughs> अच्छा, है अच्छा चेक शर्ट पहनी हुई है ठीक है ना चेक शर्ट का रूल बता दूँ जितने ज़्यादा प्लेडी चेक है जितना ज़्यादा चौड़ा चेक है उतनी ज़्यादा कैजुअल लुक है याद रखें तो जब आप खरीदने जाएँ आपको इतना प्लेडीज मैं तो बड़ा कैजुअल लगूंगा क्या आपको कैजुअल लगना चाहिए इतना कैजुअल लोग सीरियसली लेंगे आपको आपको या गेम खेलने आया है तो ये जो इतना प्लेडी चेक है ये इसे नो नो अच्छा दूसरी बात कलर स्कीम देखिए कलर स्कीम भी जो है हमारी तो कलर स्कीम ही नहीं है ना पाकिस्तानी जो हमारी स्किन टोन पे है ये सारी गोरों की कलर स्कीम चल रही है ये देखिए सारा पिंक चल रहा है पीच सा चल रहा है उसके साथ डिफरेंट ये सारा चल रहा है तो दैट्स आल्सो नॉट वेरी गुड कलर फॉर हिम तो प्लेडी शर्ट नहीं लेनी बहुत सारे कलर इस तरह के नहीं लेने हाथ सीधे रखें अच्छा फिटिंग दो बंदे आ जाएंगे आपके यहाँ मेरे साइज की मिलती है मिलती नहीं है पोर बेबी पोर बेबी कहीं टेलर का नाम सुना है एक दर्दी मर्दी जी जी हाँ वो जिंदा है बच्चा तो ये देखेंगे ये सारी स्विम कर रही है अच्छा नहीं तो पता है क्या आप इतनी स्मार्ट लुक है ना लग नहीं रहे हो ना स्मार्ट प्रॉब्लम ये है तो आप तो अपने आप यू और किलेंगी यू नो आप अपने आप अपने वो हाँ कहते हैं ना कुड़ी लेके आप अपने आप हाँ को चॉप कर रहे हो इतने माशा स्मार्ट और स्माइल आपकी इतनी ज़बरदस्त है हेयर कट आपकी इतनी अच्छी है आपकी बड़े इंटेलिजेंट किस्म के ग्लासेस है मेरी तरह सो ही लुक्स ग्रेट तो ये आपने थोड़ी चेंजेस करनी है तो आपने जी क्या कहा पेंट की फिट नॉट बैड पेंट की फ़िट इज़ ओके अच्छा ब्लैक पेंट के साथ ब्राउन शूज अच्छे लगते हैं नहीं अच्छे लगते मेरा अच्छा कल से सोचना आप ठीक है अगेन नाइस स्माइल म बिग हैंड अच्छा जी मैं अब पिक करूंगा आप जी हाँ जी वालेकुम अच्छा अगर ये आपको मिले कहीं भी तो इनके बारे में आप क्या चीज़ याद रहेगी आपको कॉलर काफ़ी याद रहेंगे बड़े इंटरेस्टिंग कॉलर का फला बंदा था ठीक है ना तो ये जितने कॉलर है ना ये बड़े जिसे कहते हैं ना प्रोमिनेंट हो जाते हैं तो कॉलर कफ जो हैं अगर उसी बॉडी में रहने दें तो वो बेहतर लगते हैं ठीक है लेकिन इन्होंने मुझे कुछ और भी चीज़ें एक दो दिखाई हुई हैं ये भी सारा आपके डिज़ाइन विजाइन जो है सारा सही आपके सेशन के बाद चेंज कर करें चेंज करें वो देखें <laughs> स्मेल ठीक कर ठीक कर स्मेल ठीक है <laughs> तो इसको इनको जो है ना ये इस लुक में प्रोफेशनल लुक नहीं है अगर ये कहीं जाए बार बिक वगैरह में यू नो टू द बॉल राउंड ये वो वो ठीक है लेकिन प्रोफेशनल लुक नहीं तो आपने इस बात का ख्याल रखना है आपने सॉलिड कलर में आना है ये जितनी एम्बेलिशमेंट है जीन के ऊपर बिल्कुल भूल जाएँ ख़त्म कर देनी है इसको ठीक है और बाकी आपका देखें नाइस बिल्ड है वेरी नाइस शोल्डर नाइस इनकी हिप यहाँ पे वेस्ट है इसका मतलब इनका वी है बहुत कम लोगों का वी होता है इज़ अ ग्रेट बॉडी ग्रेट ग्रेट, ग्रेट बॉडी और इनकी शक्ल भी देखेंगे मॉडल लगते हैं इज़ कैट अ वेरी नाइस फेस सिर्फ इन्हें ड्रेसिंग राइट करनी है ना चाहिए छा जाएंगे जहाँ भी जाएँगे असल बहुत बहुत शुक्रिया आप आ जाइए वालेकुम क्या है सर हाथ से यार हाथ ठीक से मिलाए ना ऐसे करके ये क्या है यंग बॉय मैन यू नो जस्ट आपके वाइसा वगैरह बिल्कुल ठीक ठाक हैं हाथ में लाएं मर्दों की तरह मिलाएं yes, हाँ ऐसे बिल्कुल और लड़कियों के साथ नहीं ऐसे करना उन्हें बस सिर्फ दूर से असल कह नहीं अच्छा सही है कहीं बेचारा वो इसी जतवे में आके जो सर ने कहा था तो जाके जी लक्ष्य कह कलर के बारे में क्या ख्याल है आपका याद रखिए मैंने कौन से कलर आपको बताए हैं मैंने वाइट बताया ब्लैक बताया ग्रे के शेड्स बताए हैं नेवी के थे हैं। ये कलर प्योरली वाइट्स का है मेहंदी कलर ये मेहंदी कलर खा खतून पे हो लेडीज पे हो मेन पे हो हमारा कलर नहीं है इसीलिए इनका जो फेस है इसकी माशाल्लाह खूबसूरत फेस है स्किन टोन भी बड़ी अच्छी है लग रहा है बड़ा टाइट सा है थार्जिक सा है लेजी सा है ये कलर शेड जो फेंक रहा है वो सारा कलर की वजह से है तो आपने भाई ये कलर जो है चेंज कर देना ये कलर ओ, ना आपने टैन लेना है टेन समझते ये ब्राउन का जो शेड था हल्का सा शेड होता है वो नहीं लेने आपने ब्राउन के कोई शेड नहीं लेना ग्रीन का कोई शेड नहीं लेना कलर मैंने आपने लिखे हैं जो मैंने बताया वही yes, कलर लेने ठीक है okay, इनको मैंने सिर्फ कलर की वजह से बुलाया था ठीक है okay, अपना ख्याल रखिए फिर हाथ से हाथ से बुलाए yes, यहाँ मैंने हाथ रखा एक कैसा लगा आपको काफी अच्छा लग रहा है सही है ये कोई वार्म फील हो रही है कि मैं आपसे बड़ा वार्मली मिल रहा हूँ भाई जो अमेरिका में ऐसे ही करते हैं ये ये हाथ है ऐसे करके लेकिन लड़कियों के साथ ऐसे नहीं करना यू विल बी डीप ट्रबल कहीं जी वो हमें से आपने कहा था तो व नथिंग टू डू दिस देखिए एक है हर्ड मेंटालिटी, हर्ड की तरह लगे मैं उसी तरह लगना चाहता हूँ मैं आई डों बोट दिस पेट मैं ये नहीं कहता कि आप थ्री पीस सूट पहन के जाएं, लेकिन याद रखें अगर आप पैंट शर्ट वाले बंदे हैं ठीक है या टी शर्ट और पैंट वाले बंदे हैं तो टी शर्ट पहन तो हर बंदे ने पहनी हुई है ऐसी भी है ना अच्छा अब अगर आप एक नाइस ड्रेस शर्ट पहन के आते हैं नाइस ड्रेस शर्ट कलर मैंने बताए हैं चार पाँच मैंने को आपको कोई पिंक नहीं बताया मैंने कोई आपको प्लम नहीं बताया मैंने कोई और शॉक कलर नहीं बताए इनमें से कोई कलर आप ले, ले लेते हैं साथ नाइस आप कोऑर्डिनेटेड पैंट लेते हैं ड्रेस पैंट लेते हैं चीन नहीं लेते ड्रेस पैंट समझते हैं ना ड्रेस पैंट ले लेते हैं नाइस बेल्ट ले लेते हैं नाइस शूज़ ले लेते हैं साथ में मैचिंग आपका ख्याल है कितना को आप रॉक कर रहे हैं बोर्ड को वहाँ पर कितने को लोग आगे ओ देखो इसको इसने तो ये क्या पहन के आ गया कितने लोग आपको सर कहेंगे कि ये क्या पहन के आ गए आई डोंट थिंक है नीब से दिस बल्कि लोग कहेंगे यू लुक नाइस अगर फिटेड शर्ट है फिटेड पैंट है यानी कि डीली डाली है जैसे भी मैंने बताई थी कितनी खुली है तो सर मेरी गुजारिश यह है कि आप अपने आप को आज से ब्रांड बनाएं आप अपनी ग्रूमिंग आज से शुरू करें अगर आप हर दूसरे बंदे की तरह लगते हैं तो फिर मैं आपसे ये भी पूछता हूँ कि आप कासिम कासमिशाह फाउंडेशन में क्यों आए हैं हम ठीक थे यहाँ यूनिवर्सिटी पर पार्टपोर्ट सारा ठीक है आपने एक स्टेप ज़्यादा लिया आप आए हैं आप लर्न करने के लिए आए हैं फिर मैं पूछूं कि आप किसी ऐसी छांगा मांगे की यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं चले गए अच्छी यूनिवर्सिटी में क्यों गए हैं क्योंकि यू वांट टू कम्पीट एंड यू वांट टू डू योर वेरी बेस्ट ट्रस्टिंग का भी ये है कि आपने फॉलो नहीं करना आपने लीडर बनना है और तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आप अपनी सारी चीज क्या अच्छा टी शर्ट में भी बात हो गई थी मैंने आपको इसलिए बात की वो मैसेज है जहाँ जाओ जा जीनियर्सी जी कॉलेज में बहुत बड़े मुठीफ़ मैं आगे उनसे भी पूछता हूँ कि भाई इतने मुटीफ ये लगाया सब था मतलब क्या है कुछ कहते सर पता नहीं है मैं क्या पहनी क्यों है फिर नहीं सर मुझे नहीं पता था चलो आप बताएं फिर मैंने को एजुकेट किया फिर दे सक दिया देना के ना वेट किया अच्छा अगर आपने टी शर्ट और पेंट पहनी जी तो मैं आपको बता दूँ उसका तरीका क्या है फिर टी शर्ट लें अच्छी ऐसी नहीं कि टी शर्ट आप दो बार दुलिए तो टी शर्ट ये जो इसका नेक है यहाँ तक आई हो ये बैगी हो जाए सैग हो जाए या श्रिंक हो जाए क्योंकि वो चीप शर्ट ऐसे ही करेगी आप अच्छी शर्ट लें उसके ऊपर लिखा कुछ ना हो पाकिस्तान में जाकर ढूंढ के ढूंढने की कोशिश करेंगे टी शर्ट के ऊपर लिखा कुछ ना हो बड़ी मुश्किल है तो अगर आपको कोई जानने वाला दुबई वगैरह में आए तो आप आप बताएंगे को कोई ना कोई यार वहाँ से चार शर्ट टी शर्ट्स ले आना डिफ़रेंट कलर की इसमें ब्लैक ले लें एक ग्रे ले लें एक आप नेवी ले लें कलर भी बता रहा हूँ तीन चार कलर ये ले लें और वो आप जो है ना वो उसको नॉन डिस्क्रिप्ट कुछ नहीं लिखा होना चाहिए नाइस nice, उसके साथ आपकी चीनोस हैं या आपकी जीन है नाइस शूज़ हैं ठीक है तो वो भी आपकी एक्सेप्टेबल लुक है लेकिन अगर नाचब मैं कहूँगा क्योंकि आपने सर ग्रूमिंग कहाँ से सीखनी है अगर अभी नहीं सीखनी तो कौन सिखाएगा कहाँ से सीखनी है ग्रूमिंग तो ग्रूमिंग का अब वक्त है तो मैं ये कहूँगा आप यूज़ तो होना शुरू हो जाए तो ये दैट्स फोर्ट आई वुड से देखें पहली बात है कि जब आपकी शर्ट फिटेड होगी ना और दूसरी बात आप देखेंगे आप लंबे हैं अगर आपको लंबी चाहिए थोड़ी सी अगर आप ट्रेनिंग करवाएंगे तो थोड़ी सी लंबी रखवा लें ताकि बाहर ना निकले ठीक है उसके बाद इसका टक इन करेंगे तरीका यह है इसको अच्छी तरह लेके अंडर वेयर आई होप यू वेयर इट उसके अंदर करें शर्ट को इसी तरह पूरा ना टक इन करके उसके ऊपर बेल्ट लगाएँ तो आई थिंक यू दिस विल बी ओके लेकिन अगर आप डीजाली शर्ट पहनेंगे अगर साइज़ का फिट ठीक नहीं है या वैसे छोटी है या अगर आपने टक आउट करनी है दैट्स ऑल राइट टू आप अब टक आउट फिर वो उस हिसाब से टकआउट करें लेकिन टकआउट में ड्रेस शर्ट तरह अच्छी नहीं लगती कैजुअल में ज़्यादा अच्छा लगता है जैसे कोई जीन टाइप का मटेरियल है डेनमी टाइप का मटेरियल वो ज़्यादा अच्छा लगता है लिनन है वो ज़्यादा अच्छी लगती है ड्रेस पैंट ड्रेस शर्ट यूजली टाक की नहीं अच्छी लगती अच्छा कॉटन पैंट देखिए दो तरह की हैं एक कॉटन पैंट है चीनो चीनों की कट जो है जीन की तरह होती है ठीक है ना ऐसी है ना एक है कॉटन पैंट है जो डॉकर की तरह होती है उसकी क्रीज होती है तो आप किस पेंट की बात करें फिर फिर नेक्स्ट चलते हैं क्रीज़ वाली पेंट है तो वो आ, उसके साथ शर्ट कौन सी होनी चाहिए उसके साथ जितनी भी आप ड्रेस शर्ट में आप चले जाएँ थोड़ा सा अगर आपने उसको कैजुअल करना है तो उसमें फिर आप थोड़ा टेक्स्चर में चले जाइए जैसे ब्लू में टेक्स्ड शर्ट मिल जाती है थोड़ा सा उसमें टेक्स्चर होता है आ, हम उसे कहते हैं पिन पॉइंट है छोटे छोटे उसमें पिन पॉइंट की तरह होते हैं मतलब कैजुअल है ना तो कैजुअल लुक में आ जाए ज़रा ठीक है बाकी जितने शर्ट के कलर मैंने बताए सारे उसके साथ मैच करेंगे डिपेंडिंग हो कि आप कौन से कलर की पैंट पहनी ब्लैक जो है सबसे बेस्ट है ब्लैक और ग्रे क्योंकि साहब बहुत सारी शर्ट पहन सकते हैं बहुत सारे कलर्स पहन सकते हैं एनी बड़ी गए थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया एंड इंशाल्लाह